अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बरवक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब समात फरमाइए। खौफनाक जंगल। गर्मियों की एक तारीख रात थी। कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर घंटों करवटे बदलने के बाद बमुश्किल आधा घंटा सोए होंगे कि एक सब इंस्पेक्टर ने आकर जगा दिया। क्या है भाई, क्या आफत आ गई, वो झल्लाते हुए बोले। क्या बताऊं साहब, अजीब मुसीबत में जान है, शायद फिर कोई कतल हो गया है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। शायद कतल हो गया है, क्या मतलब? एक आदमी धर्मपुर के जंगलों में एक लाश देखकर इत्तला देने आया है। इस वक्त धर्मपुर के जंगलों में उस आदमी को क्या काम? मेरे ख्याल से दो बज रहे होंगे, इंस्पेक्टर सुधीर ने शबख्वाबी का लिबादा उतारते हुए कहा। मैंने उससे सवाल नहीं किए, सीधा यहाँ चला आया, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। दोनों तेज कदमों से चलते हुए दफ्तर पहुंचे। इंस्पेक्टर सुधीर ने इत्तला लाने वाले अजनबी को घूर कर देखा। वह खुशपोश नौजवान था, उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नजर आ रहे थे। टाई की गिरा ढीली होकर कॉलर के नीचे लटक आई थी। बालों पर जमी हुई गर्द से जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दूर का सफर करके आ रहा है। उसकी सांस अभी तक फूल रही थी। क्यों साहब, क्या बात है, सुधीर ने कड़े लहजे में पूछा। मैं अभी अभी धर्मपुर के जंगलों में एक औरत की लाश देखकर आया हूँ, उसने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन आप इस वक्त धर्मपुर के जंगल में क्या कर रहे थे, सुधीर ने कहा। मैं दरअसल जलालपुर से वापस आ रहा था। जलालपुर से? जलालपुर यहाँ से तकरीबन 20 मील के फासले पर है। आप किस सवारी पर आ रहे थे? मोटरसाइकिल पर। जब मैं जोसेफ रोड से पीटर रोड की तरफ मुड़ने लगा तो मैंने सड़क के किनारे एक औरत की लाश देखी। उसका ब्लाउज खून से तर था। उफ मेरे खुदा, कितना भयानक मंजर था, मैं जिंदगी भर न भुला सकूंगा। तो आप जलालपुर में रहते हैं? जी नहीं, मैं यही इसी शहर में रहता हूँ, एक दोस्त से मिलने जलालपुर गया था। तो इतनी रात गए, वहां से वापसी की क्या जरूरत पेश आई थी? जनाबे वाला, मैं ये कत्ल खुद करके आपको इत्तला देने नहीं आया, अजनबी ने कदरे झुंझुला कर कहा। मैंने एक लाश देखी और एक शहरी होने की हैसियत से अपना फर्ज समझा कि पुलिस को इत्तला दे दूं। नाराज होने की जरूरत नहीं, सुधीर ने संजीदगी से कहा, मैं भी अपना फर्ज ही अदा कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे रणधीर सिंह कहते हैं। आप क्या काम करते हैं? उफ मेरे खुदा, मैंने यहाँ आकर सख्त गलती की, अजनबी ने कदरे परेशानी के लहजे में कहा। अरे साहब, मैं आपके साथ ही चलूंगा। चलना तो पड़ेगा ही। खैर अच्छा, आप बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हैं, फिर सही। दरोगा जी, जरा जल्दी से 3 कांस्टेबलों को तैयार कर लीजिए और इस वक्त ड्यूटी पर जो ड्राइवर हो उसे भी बुलवा लीजिए। थोड़ी देर बाद पुलिस की लारी पीटर रोड पर धर्मपुर की तरफ जा रही थी। रात हद दर्जा तारीख थी। सन्नाटे में लारी की आवाज ऐसी मालूम हो रही थी जैसे बेशुमार खबीस अरवा एक साथ मिलकर चीख रही हो। लारी की बर्की लैंपों की रोशनी दूर तक सड़क पर फैल रही थी। सड़क के मोड़ से तकरीबन 2 फरलोंग इधर ही एक बड़ा सा दरख्त सड़क पर गिरा हुआ नजर आया। अरे ये क्या, अजनबी चौंक कर बोला। लारी दरख्त के पास आकर रुक गई। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि अभी आधा घंटा कबल जब मैं इधर से गुजर रहा था तो ये दरख्त यहाँ नहीं था, अजनबी ने परेशान लहजे में कहा। सब लोग लारी से उतर आए। आप भी कमाल करते हैं, आपकी बात पर किसे यकीन आएगा, जाहिर है आज आंधी भी नहीं आई। ये भी साफ है कि दरख्त काटा गया है और आज घंटे में इतने मोटे तने वाले दरख्त का काट डालना आसान काम नहीं। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अजनबी ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। खैर ये बाद में सोचा जाएगा, कोतवाली इंचार्ज तेज लहजे में बोला। अब वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा 2.5 फरलोंग, अजनबी ने जवाब दिया। लारी वही छोड़कर ये पार्टी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी। तारीख सड़क पुलिस वालों के भारी भरकम जूतों की आवाज से गूंज रही थी। उफ मेरे खुदा, अजनबी ने चलते चलते रुककर कहा। क्यों, क्या बात है, कोतवाली इंचार्ज बोला। कहीं मैं पागल न हो जाऊं, अजनबी ने बेचैनी में अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। हे मिस्टर, तुम्हारा मतलब क्या है, कोतवाली इंचार्ज ने गरज कर कहा। मैंने वो लाश यहीं देखी थी, मगर क्या कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यही तो हैरत है। सरकार यहाँ भूत प्रेत भी बकसरत रहते हैं, एक कांस्टेबल मिनमिनाई हुई आवाज में बोला। भगवत, कोतवाली इंचार्ज चीख कर बोला। उसका गुस्सा अपनी इंतहाई मंजिलें तय कर रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया, अजनबी गुलोगी आवाज में बोला। अभी कहाँ, अब फंसेंगे आप मुश्किल में, कोतवाली इंचार्ज ने तल्ख लहजे में कहा। खामा खा परेशान किया, क्या तुमने रुक कर करीब से लाश देखी थी? जी हाँ, उसके सीने से खून उबल रहा था। अजीब लाश थी, कहीं जमीन पर खून का धब्बा तक दिखाई नहीं देता,
कोतवाली इंचार्ज ने झुककर टॉर्च की रोशनी में जमीन को गौर से देखते हुए कहा, मैं कसम खाकर बस रहने दो, खामखा वक्त बर्बाद कराया। कोतवाली इंचार्ज ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कहता हूँ सरकार भूत ठाए। अचानक फायर की आवाज ने सबको भकला दिया। कोतवाली इंचार्ज का हाथ पिस्तौल के केस ही पर था कि दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा, चौथा। अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बहुत से आदमी बैक वक्त बंदूकें चला रहे हों। कोतवाली इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर ने अपने पिस्तौल निकाल कर दरख्तों की आड़ ले ली, लेकिन उन्हें जल्दी वहां से भागना पड़ा क्योंकि उनके पीछे से भी फायर होने शुरू हो गए थे। दफतन एक चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, और एक सिपाही लड़खड़ा कर गिर पड़ा, फिर उठकर भागा। ये लोग बददिक्कत तमाम लारी तक पहुंच गए जिस वक्त ड्राइवर लारी बैक कर रहा था। करीब ही से दोबारा फायर होने शुरू हो गए। लारी तेज रफ्तारी से शहर की तरफ जा रही थी, फायर अब भी सुनाई दे रहे थे। एक सिपाही के बाजू पर गोली लगी थी, वो सीट पर पड़ा कराह रहा था। लेकिन वो कहां गया? सब इंस्पेक्टर ने भराई हुई आवाज में कहा। जहन्नुम में, कोतवाली इंचार्ज ने तल्ख लहजे में कहा। मुझसे ज्यादा अहमक शायद वो जमीन पर ना मिले। आखिर मैं अच्छी तरह इत्मीनान किए बगैर उसके साथ चला क्यों आया? कमबख्त का पता भी तो ना मालूम हो सका। हम लोगों की जान लेने की एक बतेरी साजिश थी, मगर साहब वो किसी तरह भी झूठा नहीं मालूम होता था। सब इंस्पेक्टर ने कहा। 22 साल से इस महकमे में झक नहीं मारता रहा दरोगा जी, कोतवाली इंचार्ज ने खुश्क लहजे में कहा। अभी आपका तजुर्बा ही कितना है? मैं एक मील से मुजरिम की भूख ढूंढ लेता हूँ। वो शुरू ही से मशकूक था, आखिर वही हुआ जिसका खटका था, मगर ये किसी बहुत बड़े और मुनज्जम गिरोह का काम मालूम होता है। अरे इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया था, सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। वल्लाह बाल बाल बच गए। अलबत्ता बेचारा करण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया, कोतवाली इंचार्ज ने कहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सुपरिटेंडेंट साहब को अपनी इस हिमाकत का क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद वो सब चुप हो गए। अलबत्ता करण सिंह की कराहें अब तक जारी थी। गनीमत यही था कि गोली हड्डी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर बाजू के गोश्त को छेदती हुई निकल गई थी। क्यों ना हम लोग फिर वहीं चलें? इस तरह भाग निकलना तो ठीक नहीं, सब इंस्पेक्टर ने कहा। पागल हो गए हो, इंचार्ज बोला। हमारे पास दो पिस्तौलों के अलावा और है ही क्या? उधर ना जाने कितने हो, मेरा ख्याल है कि 15-20 से कम ना होंगे। अजीब हिमाकत है, सब इंस्पेक्टर आहिस्ता से बोला। दूसरे दिन सुबह 6 बजे धर्मपुरा का जंगल मुसल्ला पुलिस के जूतों की आवाजों से गूंज रहा था। कर्बोजवार के देहातों से तकरीबन 300 आदमी शुबे में गिरफ्तार किए गए, जिन पर कोतवाली में बेतहाशा लाठियां और जूते बरस रहे थे। उनमें से कई तो इतनी शिद्दत से पिटे थे कि उन्हें गश आ गया, लेकिन नतीजा सिफर। कोई खास सुराग ना मिल सका। आखिर 4-5 घंटों की मुसलसल जांफिशानी के बाद मामला महकमा सुराग रसानी के सुपर्द कर दिया गया। राज रूपनगर केस की शोहरत याफ्ता इंस्पेक्टर फरीदी और सर्जन हमीद कोतवाली पहुंच चुके थे। वाकयात का इल्म उन्हें पहले ही से था, लेकिन उन्होंने कोतवाली इंचार्ज वगैरह के बयानात दोबारा सुने और एक चक्कर धर्मपुर के जंगलों का भी लगाए। दिन भर की दौड़ धूप के बाद जब वो कोतवाली वापस आए तो कई चेहरे तंजिया अंदाज में उन पर मुस्कुरा रहे थे। फरीदी तो इस किस्म के वाकयात को हंसकर टाल देता था। सर्जन हमीद ने नाक भंव चढ़ाई। उसे उम्मीद थी कि फरीदी जल्द ही कोई सुराग लगाकर इस खिफत से पीछा छुड़ाएगा। खुद उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। सोचते सोचते दफतन उसकी आंखें चमक उठी। इंस्पेक्टर साहब, उसने फरीदी को मुखातिब करते हुए कहा, हम लोग भी कितने बुद्धू हैं। क्या मतलब है? फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। मतलब क्या? वही मिसल है, बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। अरे लाहौल वाला, कहने का मतलब ये कि मुल्जिम का सुराग मिल गया, हमीद ने चुटकी बजाते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर शुभ है? फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। खैर वो तो पुरानी चीज है, मेरी पीठ ठोकिए, कहिए तो बताऊं। मुझे अफसोस है कि इस वक्त ठोकने की कोई चीज मेरे हाथ में नहीं। खैर तुम बताओ। मोटरसाइकिल, मुल्जिम ने अपनी मोटरसाइकिल रात यहीं छोड़ी थी ना, हमीद ने कहा। बहुत देर में पहुंचे, मुझे सुबह ही को ख्याल आया था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल कतई ऐसी नहीं हो सकती जो उसका पता निशान बता दे, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है, हमीद ने उठते हुए कहा। दोनों कोतवाली इंचार्ज के हमरा वहां पहुंचे जहां रात मुल्जिम ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी थी। मोटरसाइकिल अभी तक वहीं खड़ी थी। देखो मैं ना कहता था, फरीदी ने कहा, नंबर की प्लेट निकाल ली गई है, लेकिन कंपनी का नंबर तो जरूर होगा, हमीद ने झुक कर देखते हुए कहा। और ये भी रेत दिया गया है, फरीदी ने कहकह लगाया। हमीद भी खिसियाना होकर हंसने लगा। हम लोग नरे घामड़ नहीं है फरीदी साहब, कोतवाली इंचार्ज ने हंसकर कहा। पहले ही देख कर इत्मीनान कर चुके हैं। लेकिन ठहरिए, फरीदी ने जमीन पर कुछ देखते हुए कहा, आपने एक बात ना देखी होगी। क्या?
यही के कंपनी का नंबर यहीं कोतवाली में इसी जगह आज ही किसी वक्त साफ किया गया है। जी, कोतवाली इंचार्ज ने हैरत से दीदे फाड़ते हुए कहा। जी हाँ, ये देखिए, क्या आप जमीन पर लोहे की रेत नहीं देख रहे हैं? उफ़, बड़ी गफलत हुई, कोतवाली इंचार्ज ने हाथ मलते हुए कहा। इन्हीं बारीकियों के लिए तो हम खाकसारों को तकलीफ दी जाती है, सर्जन हमीद ने तन कर सीने पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन इससे क्या, मुल्जिम बहरहाल अभी तक पर्दा राज ही में है, कोतवाली इंचार्ज ने झुंझुला कर कहा। जी नहीं, बस ये समझिए कि अब वो हमारी जेब में रखा हुआ है, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। खैर, देखा जाएगा, ना घोड़ा दूर ना मैदान, कोतवाली इंचार्ज ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। सर्जन हमीद फॉक्सट्रॉट की धुन में सीटी बजाने लगा। फरीदी का जहन मुख्तलिफ किस्म की गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ था। आखिर वो कोतवाली इंचार्ज को मुखातिब करके बोला, दरोगा जी, अब ये बात तो अच्छी तरह वाजे हो गई कि मुलजिम या मुलजिमों का निशाना आप ही थे। क्यों, मैं ही था, कोतवाल चौंक कर बोला। आपके बयान के मुताबिक रात 5 सब इंस्पेक्टर और 40 सिपाही ड्यूटी पर थे, उनमें से आप किसी को भी मुंतखब कर सकते थे, इसलिए उनमें से किसी एक को मार डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और जाहिर है कि धर्मपुर कोतवाली ही के हलके में है, इसलिए कत्ल वगैरह के सिलसिले में मौका वारदात पर आप ही का पहुंचना यकीनी हो सकता है। ओ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था, कोतवाली इंचार्ज ने बेचैनी से कहा। अब आप ये बताइए कि आपका शुबा किस पर है? भला मैं कैसे बताऊं, शहर का हर बदमाश मेरा दुश्मन हो सकता है, कोतवाली इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा। बहरहाल आप हमें कोई मदद नहीं दे सकते, हमीद ने हंस कर कहा। हमीद साहब, मैं आपसे इस्तदा करूंगा। हमीद, तुम चुप रहो, इंस्पेक्टर फरीदी ने हमीद को घूरते हुए कहा। हाँ दरोगा जी, क्या पीटर रोड के चौराहे के करीब कोई बस्ती भी है? हाँ, एक छोटा सा गांव है, लक्ष्मणपुर, लेकिन उसका फासला वहाँ से तकरीबन 4 फरलांग होगा। मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त वहाँ जाकर तफ्तीश करूँ, फरीदी ने कहा। लेकिन आपको वहाँ इस वक्त सिर्फ औरतें और बच्चे मिलेंगे, वहाँ के सारे मर्द तो यही हवालात में है। तब तो और भी अच्छा है, हमीद ने अपना निचला होंठ चाटते हुए कहा। फरीदी ने उसे फिर घूर कर देखा और वो यक बयक संजीदा हो गया, लेकिन ये संजीदगी इतनी मजाखा खेज थी कि झल्लाया हुआ कोतवाली इंचार्ज भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। हमीद की बेवक्त की जरीफाना हरकतें फरीदी को अक्सर बड़ी खल जाती थी। उसकी इसी आदत की बिना पर फरीदी उमूमन कहा करता था कि वो जिंदगी भर एक अच्छा जासूस नहीं बन सकता। फरीदी को उसकी इस वक्त की बेतुकी बातों पर सख्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन चंद लम्हों के बाद उसका जहन फिर असल मकसद की तरफ आ गया। लक्ष्मणपुर की तरफ रवाना होते वक्त फरीदी ने उस सब इंस्पेक्टर को भी साथ ले लिया जो रात वाले हादसे में कोतवाली इंचार्ज के साथ था। आहिस्ता आहिस्ता तारीकी बढ़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर फरीदी की कार सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सब इंस्पेक्टर बोला। खुद आप भी होते तो उसकी हालत देखते हुए उसके बयान की सदाकत में शुबा ना करते। ये सब कुछ दुरुस्त है, फरीदी ने बुझा हुआ सिगार सुलगाते हुए कहा, लेकिन मैं उसका सही पता निशान दरियाफ्त किए बगैर हरगिज उसके साथ ना जाता। हैरत तो इस बात पे है कि सुधीर साहब ने रवानगी लिखने की भी जहमत गवारा ना की। नहीं साहब, रवानगी तो लिखी गई थी, सब इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। दरोगा जी, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई है, फरीदी ने बुरा समूह बनाकर कहा। खैर ये कोई बात नहीं, आप ही नहीं, आपका महकमा यूं भी हम लोगों के मुतालिक कोई अच्छी राय नहीं रखता, लेकिन ये आप किस तरह कह सकते हैं कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई है? और इसका क्या सबूत है कि रोज नामचे में इस नंबर का कोई कमरा है ही नहीं, और सरताज होटल का एक एक चप्पा पुलिस का देखा हुआ है? उस जैसे बदनाम होटल का नक्शा तो मेरे ख्याल से मामूली कांस्टेबल के जहन में भी होगा, क्योंकि पुलिस मुतादिद बार उस पर छापा मार चुकी है। असल वाकया मुझसे सुनिए, आप लोग बगैर पूछगछ किए मुलजिम के साथ चल पड़े थे, बाद में सुधीर साहब को उस गलती का एहसास हुआ, वापसी पर जब वो रवानगी लिखने बैठे तो घबराहट में कमरे का नंबर लिख गए। मैंने केस हाथ में लेने के बाद सबसे पहले रवानगी ही देखी थी, उस वक्त सुधीर साहब भी मौजूद थे, गालिबन इसी वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद अभी थोड़ी देर कबल मुलजिम के हुलिये के लिए मुझे दोबारा रवानगी देखनी पड़ी। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि कमरे का पहला नंबर ब्लेड से खुरच कर उसकी जगह दूसरा नंबर लिख दिया गया था, जिसकी स्याही कागज खुरदरा हो जाने की वजह से फैल गई थी। फरीदी खामोश हो गया और सर्जन हमीद हंसने लगा। साहब ये बात मेरी समझ में तो आनी नहीं, वाकई आप लोग हम लोगों के बारे में बहुत बुरे ख्यालात रखते हैं, सब इंस्पेक्टर ने झेप मिटाने की कोशिश करते हुए कहा। हम लोग आप लोगों के बारे में बुरे ख्यालात रखने पर मजबूर हैं, आखिर कोई हद भी है, कोतवाली में रखी हुई मोटरसाइकिल का नंबर कोई रेत कर चला जाए और आप लोगों को खबर भी ना हो, वाकई ये चीज जरूर हैरत अंगेज है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। और इसी बिना पर मेरा ख्याल है कि कोतवाली का कोई फर्द
हुदीरी साहब की जान का दुश्मन है या फिर उनके दुश्मनों से मिला है। कोई बाहर का आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, फरीदी ने कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन वो कौन हो सकता है? यही तो देखना है। कार लक्ष्मणपुर में दाखिल हो रही थी। वहाँ तकरीबन 2 घंटे तक छानबीन करने के बाद भी कोई सुराग न मिल सका। अलबत्ता इतना जरूर मालूम हुआ कि वहाँ के लोगों ने फायरों की आवाजें सुनी थी, लेकिन ये उनके लिए कोई नई बात न थी, क्योंकि वहाँ आए दिन शिकारियों की बंदूकें चला ही करती थी। वापसी में सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से कहा, इंस्पेक्टर साहब क्या बताऊँ, वाकई हम लोगों ने सख्त गलती की कि मुल्ज़िम का पता मालूम किए बगैर उसके साथ चले गए। और ये भी सही है कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात अपनी ही हद तक रखेंगे। मगर ये कैसे मुमकिन है, हमीद जल्दी से बोला। फरीदी खामोश था, उसकी निगाहें बाहर अंधेरे में भटक रही थी। उंगलियों में दबा हुआ सिगार बुझ चुका था। दिन भर की दौड़ धूप के बावजूद भी कोई खास नतीजा बरामद नहीं हुआ था। ये शायद पहला मौका था कि उसकी तफ्तीश का एक दिन इस तरह जाया हो रहा था। अगर मैंने इसकी कोई खास जरूरत ना समझी तो इसे राजी रखूंगा, फरीदी ने आहिस्ता से कहा और सिगार सुलगाने लग गया। शुक्रिया, सब इंस्पेक्टर ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर खामोशी छा गई। कार की बरकी रोशनी तारीकी का सीना चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। यखलक सड़क के बाएं किनारे की झाड़ियों से 3-4 गीदड़ निकलकर सड़क पार करते हुए दाएं किनारे की झाड़ियों में घुस गए। उनमें से एक के मुंह में दबी हुई कोई चीज सड़क पर गिर पड़ी। कार तेजी में उसे रोनती हुई आगे निकली जा रही थी कि दफतन फरीदी चीखा, हमीद रोको रोको। कार एक झटके से रुक गई। क्या क्या बात है, इंस्पेक्टर हैरतज़दा लहजे में बोला। आइए आइए हमीद, जरा मुझे टॉर्च देना, फरीदी ने कार से उतरते हुए कहा। टॉर्च की रोशनी सड़क पर पड़े हुए जूते के गिर्द दायरा बना रही थी। फरीदी ने जूते को उठाकर टॉर्च की रोशनी में देखना शुरू किया। जूता तो नया मालूम होता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया, हमीद ने कहा। ये इन्हीं गीदड़ों में से एक के मुंह में दबा हुआ था, फरीदी जूते पर नजरें जमाए आहिस्ता से बोला। उसके जहन में ख्यालात का तार सा बंद कर रह गया था। इस थोड़े से वक्फे में यक के बाद दीगरे न जाने कितने ख्यालात आए थे। टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों से उलझता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। हमीद और सब इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें इसके इस रवैये पर सख्त हैरत थी, लेकिन वो खामोश थे। दफतन फरीदी रुक गया। झाड़ियां हटाकर वो दूसरी तरफ कुछ देख रहा था। सब इंस्पेक्टर और हमीद भी रुक गए। थोड़ी देर बाद फरीदी मुड़कर बोला, दरोगा जी आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं? मैं आपका मतलब नहीं समझा, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन न जाने क्यों उस पर कपकपी तारी हो गई। मतलब ये कि अगर इस वक्त इस जंगल में किसी जगह एक आदमी की टांग जमीन के अंदर से निकली हुई देख लें तो आपका क्या हाल हो? गालिबन रूह कफस उनसरी से परवास कर जाए, हमीद हंस कर बोला। अच्छा तो पहले तुम ही आओ, फरीदी ने संजीदगी से कहा। हमीद आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे धकेल दिया हो। वो बुरी तरह कांप रहा था। जरूर, हमीद हकलाने लगा। बस रुखसत हो गई सारी शरारत, फरीदी ने हंस कर कहा। आइए दरोगा जी आप भी देखिए। मैं? दरोगा जी हमीद की हालत देख कर आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सके। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने, आइए मेरे साथ, फरीदी कहता हुआ झाड़ियों में घुस गया। हमीद और सब इंस्पेक्टर को भी टॉन व करहन साथ देना ही पड़ा। एक जगह थोड़ी खुली हुई जमीन से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ था। पतलून का पैंचा कई जगह से फटा हुआ था और नंगे पांव में लंबी लंबी खराशे थी। क्या समझे, फरीदी अपने दोनों खौफजदा साथियों की तरफ मुड़कर बोला। दोनों खामोशी से उसका मुंह तकते रहे। ये जूता उसी पैर का है, गीदड़ों ने यहाँ की जमीन खोदी है। वो लाश की एक टांग निकाल पाए थे कि मोटर के शोर की वजह से उन्हें भागना पड़ा। गालिबन वो इसकी टांग खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसी जद्दोजहद में उसका जूता उतर गया और एक गीदड़ ले भागा। अरे भाई यूं खड़े मेरी सूरत क्यों देख रहे हो? जो बताइए वो किया जाए, सब इंस्पेक्टर अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला। आओ मिट्टी हटाकर इसे निकालें, फरीदी ने बैठते हुए कहा। हमें तुम टॉर्च दिखाओ, फरीदी और सब इंस्पेक्टर ने मिट्टी हटानी शुरू की। एक घंटे की मेहनत के बाद वो लाश को निकालने में कामयाब हो गए। अरे, अब इंस्पेक्टर चौंक कर पीछे हट गया। क्या बात है, फरीदी ने पूछा। ये वही है, खुदा की कसम वही है, सब इंस्पेक्टर बेख्तियार चीख उठा। वही जो कल रात हमें यहाँ लाया था। बहरहाल, फरीदी ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, बाज़ औकात मेरे हवाई किले भी सच्चे हो जाते हैं, मुझे शुरू ही से इसकी उम्मीद थी। बड़ा अजीब वाकया है, मेरी तो अकल चक्कर खा रही है, सब इंस्पेक्टर परेशानी के लहजे में बोला। तकरीबन आध घंटे तक तीनों मुख्तलिफ जावियों से लाश के मुतालिक इजहार ख्याल करते रहे। खैर अब यहाँ इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं है,
आइए इसे उठाकर कार तक ले चलें। फरीदी ने सिगार एक तरफ फेंकते हुए कहा। इस नए इंकशाफ पर दूसरे दिन सारे शहर में हलचल मच गई। अब मामला हद दर्जा पेचीदा हो गया था। वो शख्स जिसे लोग मुजरिम समझ रहे थे खुद किसी का शिकार साबित हुआ। लाश अभी तक कोतवाली ही में थी। फरीदी और चंद दूसरे जासूस लाश का मुआयना कर रहे थे। मकतूल एक कबूल सूरत और नौ उम्र आदमी था। लिबास की उमदगी से साफ जाहिर था कि वो कोई मतमूल आदमी है, लेकिन उसके पास से कोई चीज बरामद ना हुई जिससे उसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सकती। मोटरसाइकिल का लाइसेंस नंबर और कंपनी का नंबर दोनों पहले ही गायब हो चुके थे। फरीदी सख्त उलझन में पड़ गया था। क्यों भाई अमित, क्या ख्याल है? फरीदी ने सर्जन हमीद से कहा। अभी तो ख्याल का ख्याल भी निदारत है, हमीद ने कहा, लेकिन ये आप किस तरह समझे कि ये आदमी मुजरिमों का साथी नहीं था? तुम्हारे सवाल से जाहिर होता है कि तुम्हारा जहन किसी खास लाइन पर काम कर रहा है, फरीदी ने कहा। क्या ये मुमकिन नहीं कि कोतवाली इंचार्ज के बच निकलने पर मुजरिमों ने अपने साथी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया हो कि कहीं वो पुलिस के हत्थे चढ़कर सारा राज बता ना दे? सर्जन हमीद ने सर खुजाते हुए कहा। ये तो कोई बात ना हुई, फरीदी बोला। अंधेरे में सेवन भी गोली लग जाने का इम्कान है। हाँ, ये भी दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ये क्यों कर मान लिया जाए कि मुजरिमों का साथी ही था? मैज इसलिए कि ऐसी सूरत में इसे दफन करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें इस बात का अंदेशा होता तो वो इसकी वजह से पहचान लिए जाएंगे तो वो इसे कभी कोतवाली ना भेजते, और अगर उन्हें इसका खदशा नहीं था तो फिर लाश के दफन करने की वजह समझ में नहीं आ सकती। देखो, एक लाश का दफन करना आसान काम नहीं। इसके तमाम इंतजाम मुकम्मल होने के बावजूद भी इसके लिए कम अज कम एक घंटा चाहिए। अगर वो उनका साथी था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद भी अपनी जान देना चाहते थे या बिल्कुल ही अहमक थे, क्योंकि उन्हें इसका भी ख्याल ना आया कि इतनी देर में अगर पुलिस वाले किसी करीब के गांव में कुछ आदमी लेकर वापस आ गए तो क्या होगा। इसकी लाश दफन कर देना उनके लिए यकीनन बचाव की सूरत रखता था। जब ही उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, जैसे कि तुम्हारा ख्याल है कि यह हरकत किसी मुनज्जम ग्रोह की है, तो ये अच्छी तरह समझ लो कि ऐसा ग्रोह अपने किसी पुराने या आसानी से पहचान लिए जाने वाले आदमी को ऐसे कामों के लिए नहीं मुंतखब करता। उसके लिए वो हमेशा किसी नए आदमी को फांसता है ताकि अगर वो पकड़ लिया जाए तो किसी किस्म का कोई राज जाहिर ना हो सके। चलिए, मैंने मान लिया, हमीद ने कहा, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुजरिमों को खास तौर से इसी आदमी का कत्ल करना था तो आखिर इस कदर हंगामा बर्पा करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पुलिस को बाकायदा चैलेंज करके एक आदमी को कत्ल किया। इस तरह उन्होंने बाकायदा अपने गले एक मुसीबत डाल ली। अगर इसे मारना ही मकसूद था तो यूं ही मारकर दफन कर देते। तुम्हारी जहानत का मैं अरसे से कायल हूँ, फरीदी मुस्कुराकर बोला। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस तरह उन्होंने पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की हो? फर्ज करो कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें कत्ल करके दफन कर भी दिया, तुम्हारी गुमशुदगी यकीनन कुछ दिनों के बाद लोगों को तुम्हारे मुतालिक सोचने पर मजबूर कर देगी। और मेरे कत्ल कर देने की वजह अगर ऐसी ही है जिसे कुछ लोग जानते हैं, तो ये कत्ल मेरे लिए यकीनन बड़ी मुसीबत का बाइस हो जाएगा। लेकिन अगर मुझमें जरा सी भी जहानत है तो मैं तुम्हें छुपा कर कत्ल करने के बजाय खुल्लम खुल्ला कत्ल करूंगा। अब इसका तरीका सुनो। फर्ज करो तुम 2 बजे रात को धर्मपुर के जंगलों से गुजर रहे हो और मुझे मुर्दा समझ कर यकीनन पुलिस को इसकी इत्तला देने जाओगे, और ये भी समझ रखो कि तुम्हारी कब्र भी मैं पहले ही तैयार कर रखूंगा। जैसे ही तुम पुलिस को साथ लेकर आओगे, तुम लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाएगी और दूसरों को बचाते हुए सिर्फ तुम निशाना बना लिए जाओगे। गोलियों की अंधाधुंध बौछार से घबराकर दूसरे लोग भाग खड़े होंगे। इसके बाद मैं तुम्हारी लाश पहले से खुदे हुए घड़े में दफन कर दूंगा। वापसी में जब पुलिस वाले तुम्हें साथ ना पाएंगे तो तुम्हारे मुतालिक उनका शुबा यकीन में तब्दील हो जाएगा और वो तुम्हें मुजरिम समझकर तुम्हारी तलाश शुरू कर देंगे। इस तरह एक तरफ तो मैं तुम्हें कत्ल भी कर दूंगा और तुम्हें ही मुजरिम भी बनवा दूंगा और खुद मुतमईन होकर मजे करूंगा, क्या समझे? और फिर अगर मैं ज्यादा जहीन हुआ तो पुलिस के शुबे को मजीद तकवीत देने के लिए तुम्हारी मोटरसाइकिल के नंबर भी गायब कर दूंगा, वो भी बीच कोतवाली से। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मैं उन कमबख्त गीदड़ों का कुछ ना बिगाड़ सकूंगा, और आखिर उन्हीं की बदौलत मेरी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। मगर साहब, ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये शख्स मुजरिमों का साथी है, हमीद ने कहा। भाई, ये है जासूसी का मामला, इश्क का मसला तो है नहीं कि दिल के फरमान पर अमल किया जाए। यहाँ तो सिर्फ दिमाग की बातें तस्लीम की जाती है, फरीदी ने बुझे हुए सिगार को सुलगाते हुए कहा। खैर चलिए, अगर मैं इसे मान भी लूं तो दरख्त वाला मामला समझ में नहीं आता। आधे घंटे में इतने तनावर दरख्त को काट कर गिराना कतई नामुमकिन है।
तो मैं ये कब कहता हूँ कि ये मुमकिन है कि दरख्त के काटने का काम सुबह ही से शुरू कर दिया गया हो और उसका इतना हिस्सा काट कर छोड़ दिया गया हो कि बकाया हिस्सा थोड़ी देर की मेहनत से काट कर दरख्त गिराया जा सके। तुमने शायद गौर नहीं किया, इसी लाइन के कई और दरख्त भी काटे गए हैं। गालिबन ये काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से हो रहा है, हालांकि मुझे इसमें शुबा है। बदाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा कोई और उन दरख्तों को कानूनन कटवा भी नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई सरकारी इदारा अपनी जिम्मेदारी पर इतने बड़े दरख्त को ऐसी खतरनाक हालत में छोड़ जाए जो आधे घंटे की मेहनत से गिराया जा सके, क्योंकि इतना भारी भरकम दरख्त ऐसी हालत में तेज हवा का एक झोंका भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। वाकई मानता हूँ, हमीद ने हैरत से फरीदी को देखते हुए कहा। वल्ला आपको तो स्कॉटलैंड यार्ड में होना चाहिए था। ये तो मैं कहूँगा कि माहिरों की कोई कदर नहीं। अब इसी को देख लीजिए कि आप आज तक चीफ इंस्पेक्टर ना हो सके। तो मैं चीफ इंस्पेक्टर होना कब चाहता हूँ, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। चीफ इंस्पेक्टर होने के बाद मेरी हैसियत एक क्लर्क की सी हो जाएगी, और ये तो तुम जानते ही हो कि मैं इस लाइन में पैसा पैदा करने नहीं आया, और ना मुझे औद्योगी का लालच है। मेरे पास इतना सरमाया मौजूद है कि मैं बेकार रहकर भी फारिग़ुल बारी की जिंदगी बसर कर सकता हूँ। अगर हिंदुस्तान में प्राइवेट जासूसों के लिए कानूनन कोई जगह होती तो मुझे इतनी दर्द सरी मोर लेने की कोई जरूरत ना थी। मैं उसी हैसियत से अपनी खोजी तबीयत को तस्कीन दे लेता। आप कहेंगे मैं चापलूसी कर रहा हूँ, हमीद ने कहा, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि आप जैसा आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। बाज़ औक़ात तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि शायद आप लोहे के बने हैं, और बहुत से लोग मुझे लोहे का चना भी समझते हैं, फरीदी ने हंस कर कहा। लेकिन ये आज तक मेरी समझ में ना आया कि आखिर आप औरतों से क्यों दूर भागते हैं, शादी क्यों नहीं करते? फिर वही औरत, फरीदी ने हमीद को घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हारे सर पर औरत क्यों सवार है? कहीं से बात शुरू हो, आपकी तान हमेशा औरत ही पर टूटती है। ये क्या हिमाकत है? आप इसे हिमाकत कहते हैं, हमीद ने संजीदगी से कहा। अच्छा बकुमत, अभी बहुत काम करना है, चलो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर चलें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में उन दोनों की आमद से भूचाल सा आ गया। मामूली से चपरासी से लेकर चेयरमैन तक खुद को चोर महसूस करने लगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के किसी भी शोबे के दफ्तर में किसी जासूस की गैर मुतवक्का आमद वहाँ के कारकुनों के लिए बड़ी मायने खेज होती है। उनके सारे गुज़िश्ता जराइम और धांधली बाजियाँ उनकी आंखों के सामने नाचने लगती हैं, और हर शख्स गैर शऊरी तौर पर हथकड़ियों के जोड़े का इंतजाम करने लगता है। लेकिन यहाँ फरीदी के काम की नौयत ही कुछ और थी। दफ्तर के अमले को जब यह मालूम हुआ कि वो उन मजदूरों से मिलना चाहता है जो धर्मपुर के जंगलों में दरख्त काट रहे थे, तो उनकी जान में जान आई। धर्मपुर के जंगलों का हादसा काफी मशहूर हो चुका था, इसलिए वो यही समझे कि ये लोग जमीनी तफ्तीश के सिलसिले में आए हैं। वहाँ के मजदूरों में से सिर्फ दो इस वक्त मौजूद थे। फरीदी उन्हें अलग ले गया। तुम लोगों ने खतरनाक गलती की है, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। दोनों के चेहरे फक हो गए और वो एक दूसरे की तरफ मायने खेज नजरों से देखने लगे। तुमने वो दरख्त सड़क की तरफ क्यों गिराया था? साहब, सड़क की तरफ तो हम लोगों ने कोई दरख्त नहीं गिराया, उनमें से एक बोला। याद करो वो पीपल का दरख्त जो चौराहे से कुछ दूर हटकर था। नहीं साहब, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। खैर, अगर तुमने गिराया नहीं था तो उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया था कि दरख्त तेज हवा चलने पर खुद ब खुद गिर जाए? नहीं तो, मगर साहब। साफ साफ बताओ, फरीदी तेज लहजे में बोला। मुझसे सुनिए साहब, दूसरा बोला, अब तो गलती हो ही गई है, जो कुछ जी पड़ेगी भुगतती ही होगी। हाँ हाँ, डरो नहीं, हमें गरीबों का खास तौर पर ख्याल रहता है, मगर सच्चाई शर्त है, फरीदी उसका शाना थपकते हुए बोला। खुदा आपको खुश रखे, हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, हमारी गलती बस। हाँ हाँ कहो। साहब, हुआ ये कि हम चार आदमी उस दरख्त को काट रहे थे, शाम हो गई थी और दरख्त इतना कट गया था कि उसकी डालों से रस्सी फंसा कर उसे आसानी से दूसरी तरफ गिराया जा सकता था। हम लोग सुस्ताने लग गए थे और इरादा था कि अब उसे दूसरी तरफ गिरा दें कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। हम लोग चौंक पड़े, एक आदमी हमें अपनी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वो हाय मार डाला, हाय लूट लिया कहता हुआ हमारे करीब गिर पड़ा। हम लोगों के पूछने पर उसने बताया कि वो कोर्ट ऑफ वार्ड का जिलेदार है, गांव से रुपया वसूल करके ला रहा था कि अचानक दो आदमियों ने उसे मार पीट कर रुपया छीन लिया। उसके बयान के मुताबिक हादसा करीब ही उसी वक्त हुआ था, इसलिए हम चारों गुल मचाते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगे। वो भी हमारे साथ था। एक जगह वो रुक गया और एक झाड़ी से हमें थैली उठाकर हमें दिखाई और कहा कि इसी थैली में रुपए हैं, शायद घबराहट में ही उन बदमाशों के हाथ से गिर गई। उसने वो थैली जमीन पर उल्टा दी और बैठकर रुपए गिनने लगा। वाकई उस थैली में सैकड़ों रुपए थे। उसने हम लोगों से कहा कि हम उसके साथ शहर चलें, क्योंकि वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता है और उसे ये डर था कि कहीं राह में वो बदमाश फिर ना मिल जाएं। हम लोगों ने इनकार किया, लेकिन उसने हमें 100 रुपए देने का वादा करके राजी कर लिया।
हम लौट आए और कुल्हाड़े वगैरह संभाल कर शहर की तरफ चल पड़े। 100 रुपयों के लालच ने हमें ये भी ना सोचने दिया कि दर्द को खतरनाक हालत में छोड़कर जा रहे हैं। शहर पहुंचकर उसने कहा कि अब पुलिस में रिपोर्ट करना बेकार ही है, क्योंकि रुपए तो मिल गए हैं। फिर वो हमें एक शराब खाने में ले गया। हम लोग कभी कभी देसी शराब पी लेते हैं, वहाँ अंग्रेजी शराब देखकर हमारे मुंह में पानी भर आया। हम में एक ऐसा भी था जो शराब नहीं पीता था, लेकिन और दूसरे खाने पीने की उम्दा चीजें देखकर वो भी पीने पर राजी हो गया। हमें कुछ अच्छी तरह याद नहीं कि हमने कितनी पी। बहरहाल जब हमें होश आया तो हमने खुद को एक वीरान कब्रिस्तान में पाया। गालिबन उस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे। ये है सरकार हमारी राम कहानी, अब आप जो सजा चाहे दें। बहरहाल फरीदी लंबी सांस लेकर बोला, मैं कोशिश तो करूंगा कि तुम लोगों पर कोई आंच ना आने पाए। अच्छा ये तो बताइए कि तुमने उस जिलेदार को इससे पहले भी कभी देखा था? जी नहीं, हमने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। अगर तुम उसे देखो तो पहचान लोगे? अच्छी तरह सरकार, अच्छी तरह। दोनों बैक वक्त बोले। अच्छा उसका हुलिया तो बताओ। हुलिया क्या बताऊं सरकार, अच्छा खासा लंबा तड़ंगा आदमी था। बड़ी बड़ी चढ़ी हुई सयाह मूछें थी, आंखों पर नीला चश्मा लगाए था, रंग गोरा था, अंग्रेजी कपड़े पहने हुए था। बात बात पर बच्चों की तरह ठट्टा मारकर हंसता था। मगर साहब उसके दांत बड़े चमकीले थे, मुझे उसके दांत बिल्कुल भेड़िए के दांतों की तरह मालूम हो रहे थे। हसमुख आदमी जरूर था, लेकिन उन दांतों की वजह से उसकी हंसी भी बड़ी खौफनाक मालूम होती थी। तुम उसे देखकर पहचान लोगे? बराबर सरकार। अच्छा देखो, अभी तुमने जो कुछ मुझे बताया है इसका तस्करा किसी और से ना करना, वरना फिर मैं तुम्हें ना बचा सकूंगा। अपने दोनों साथियों को समझा देना कि इसके मुताल्लिक किसी और से बात ना करें। मजाल है सरकार कि आपके हुक्म के खिलाफ हो जाए, हम लोग बिल्कुल चुप रहेंगे। इसके बाद फरीदी और हमीद वहां से रवाना हो गए। कहो भाई अब क्या ख्याल है? फरीदी ने हमीद से कहा। भला आपसे गलती हो सकती है? हमीद बोला। लेकिन अब क्या करना चाहिए? बस देखते रहो, अब चुटकी बजाते मुजरिम हमारी गिरफ्त में होंगे। फरीदी ने सिगार केस से सिगार निकालते हुए कहा। मगर ये औरत की लाश वाला मामला अभी तक समझ में नहीं आया। हमीद ने सर खुजाते हुए कहा। ये कोई मुश्किल काम नहीं, एक औरत की लाश तुम नहायत आसानी से तैयार कर सकते हो। वो लाश यकीनन नकली होगी। मोटरसाइकिल के नंबर वाला मामला भी अजीब है। खैर लाइसेंस का निकाल लेना तो मुश्किल काम नहीं, कंपनी का नंबर रेतने के लिए काफी वक्त दरकार होता है। खैर हैरत तो इस पर है कि किसी ने रेती चलने की आवाज भी ना सुनी। फरीदी कुछ सोचते सोचते चौंक पड़ा। हमीद मैं दरअसल इसीलिए तुम्हें अपने साथ रखता हूँ, तुम्हारे सवाल ने अचानक ये मसला भी हल कर दिया। लो सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं कि सुबह टंडन साहब की कार बिगड़ गई थी और ड्राइवर बार बार इंजन स्टार्ट कर रहा था? उस इंजन के शोर में भला रेती की आवाज कैसे सुनी जा सकती है? तकरीबन 2 घंटे के बाद कार बन सकी थी। अब मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मोटरसाइकिल का नंबर उसी दौरान में रेता गया था, लेकिन रेतने वाला कौन हो सकता है? किसी भारी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ सकती। तो फिर आपका शक किस पर है? अभी फिलहाल ये बताना जरा मुश्किल है। फरीदी ने सिगार मुंह से निकालते हुए कहा। क्यों ना हम लोग धर्मपुर के जंगल का एक चक्कर और लगाएं? मुझसे एक जबरदस्त गलती हुई है, मुझे उस घड़े का जिससे लाश बरामद हुई थी बगौर जायजा लेना चाहिए था। बहुत मुमकिन था कि कोई काम की बात मालूम हो जाती। लाश बरामद होने के बाद ही से धर्मपुर के जंगल में मुसल्ला पुलिस के एक दस्ते ने अपने खेमे गाड़ दिए थे। जिस वक्त इंस्पेक्टर फरीदी और सर्जन हमीद वहां पहुंचे तो उन्होंने उन्हें जंगल में गश्त करते हुए पाया। एक ने उन्हें टोका भी, लेकिन दूसरा शायद उन दोनों को पहचानता था, उसने उन्हें सलाम किया। क्यों भाई, कोई खास बात? फरीदी ने पूछा। नहीं हुजूर, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, कांस्टेबल ने जवाब दिया। उस घड़े की तरफ कोई दिखाई तो नहीं दिया था? गढ़ा मिला ही नहीं, कांस्टेबल ने घबरा कर कहा। क्या मतलब? फरीदी ने उसे कड़ी नजरों से घूरते हुए कहा। तुम्हें क्या हिदायत दी गई थी? हुजूर हमसे घड़े के बारे में कहा जरूर गया था, यहाँ पहुँचने पर हमें कोई घड़ा नहीं दिखाई दिया। फरीदी और हमीद तेजी से झाड़ियों की तरफ बढ़े। वाकई वहाँ घड़े का नाम और निशान तक न था, किसी ने घड़े को पाट कर जमीन बराबर कर दी थी। मेरी ये दूसरी रही, फरीदी हाथ मलते हुए मुस्तरबाना अंदाज में बोला। फिर वो दोनों कॉन्स्टेबलों की तरफ मुड़कर बोला, जरा अपने इंचार्ज को तो बुलाओ। दोनों चले गए। मुजरिम हिमाकत पर हिमाकत करते चले जा रहे हैं, हमीद ने कहा, भला इसकी क्या जरूरत थी? जी नहीं, वो हमारी हिमाकतों से फायदा उठा रहे हैं। कल रात हम में से किसी एक को उस वक्त तक यहाँ मौजूद रहना चाहिए था जब तक कि मुसल्ला पुलिस यहाँ ना पहुँच जाती, फरीदी ने कहा। जानते हो कि गड़ा पाट देने का क्या मतलब है? हमीद ने सर हिला दिया। मुजरिम किसी ऐसे निशान को मिटा गए जिससे सुराग लग जाने का अंदेशा था, तब तो बुरा हुआ, हमीद ने कहा। थोड़ी देर के बाद पुलिस का इंचार्ज आ गया।
क्यों साहब, आपको क्या हिदायत दी गई थी? फरीदी ने उसे घूरते हुए पूछा। जनाबे वाला, हम रास्ते उस घड़े को तलाश कर रहे हैं। चीज ही ऐसी है कि धोखा खाने के इम्कान पैदा हो जाते हैं, फरीदी ने हमीद की तरफ मुड़ते हुए कहा। सरसरी तौर पर देखने से यही मालूम होता है कि इससे पहले यहाँ कोई घड़ा था ही नहीं। इस जगह सूखी घास इस खुश उसलूबी से बिछाई गई है कि अच्छे अच्छे धोखा खा जाएं। इस घास को फैलाते वक्त वो ये भूल गए थे कि इस तरह उनकी उंगलियों के निशानात कतई महफूज हो जाएंगे, हमीद ने कहा। हमीद साहब, इतनी जल्दी खुशफहमियों में मुब्तला ना हो, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। इस मर्तबा बहुत ही चलाक आदमियों से साबका पड़ा है। अरे मियाँ, ऐसे मौकों पर सड़े से सड़ा मुजरिम भी दस्ताने इस्तेमाल करता है। बहरहाल मुजरिम की ये दूसरी हिमाकत उसके सुराग के लिए काफी होगी, अगर काफी ना भी हुई तो कोई ना कोई बात जरूरी मालूम हो जाएगी, हमीद ने झुक कर देखते हुए कहा। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि लाश का पता लग जाने के बाद घड़े को पाटने की क्या जरूरत हो सकती है, फरीदी ने सिगार का धुआं छल्लों की शक्ल में निकालते हुए कहा। बहुत मुमकिन है कि घड़े में कोई ऐसी चीज रह गई हो जिससे मुजरिम का सुराग मिल जाए या मकतूल की शख्सियत पर रोशनी पड़ने का अंदेशा रहा हो, लेकिन ऐसी सूरत में भी घड़े को पाटने की खास वजह समझ में नहीं आती। ये काम पुलिस के पहुंच जाने के बाद नामुमकिन सा हो जाता है। गालिबन हम लोगों के चले जाने के बाद ही ये हरकत की गई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मुजरिम हमारी निगरानी कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों के आने से पहले ही ये सब कुछ किया गया, वरना हम लोग तो वरना आप लोग तो काफी मुस्ताद रहे, फरीदी ने इंचार्ज की बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहा। अच्छा, अब इसे दोबारा खोदने का इंतजाम करना चाहिए। इंचार्ज ने 3-4 कांस्टेबलों को बुलाकर गड़ा खोदने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों के पास कोई ऐसी चीज न थी जिससे जमीन खोदी जा सकती। आखिरकार ये तय पाया कि लक्ष्मणपुर से कुछ मजदूर बुलाए जाएं। क्या इसे खोदने के लिए आप लोगों की संगीनें काफी नहीं, हमीद ने कहा। बाज औकात मामूली बातें भी देर में सूझती हैं, जार्ज ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। कांस्टेबलों ने अपनी संगीनों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल की संगीन ने किसी चीज से टकरा कर छनाका पैदा किया। ठहरो ठहरो, फरीदी झुकते हुए चीखा। उसने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू कर दी। ये लीजिए, कोई और नई मुसीबत, फरीदी ने घड़े में से एक वजनी थैला बाहर खींचते हुए कहा। अरे ये क्या, सबने बैक वक्त कहा। फरीदी ने थैले का मुंह जो रस्सी से बंधा हुआ था खोलकर उसे जमीन पर उल्टा दिया। या मजरुल अजायब, कहता हुआ हमीद उछलकर पीछे हट गया। ये गीदड़ की लाश थी जिसके मुंह में तंबाकू पीने का पाइप दबा हुआ था। उसके साथ शराब की दो खाली बोतलें भी बरामद हुई जिनमें से एक संगीन लगने से टूट गई थी। गीदड़ के सीने पर एक कागज बंधा हुआ था जिस पर गालिब का ये कता लिखा था। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। फरीदी पर हंसी का दौरा पड़ा। बकिया लोग हैरत से कभी उसे देखते और कभी गीदड़ की लाश को। फरीदी बराबर हंसे जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हंसी इतनी भयानक मालूम होने लगी कि कई ज़ईफ़ुल एतक़ाद कांस्टेबल वहां से चुपके से खिसक गए। उनमें भतेरों का ये ख्याल था, बल्कि करीब जुआर में मशहूर भी था कि जंगल का मखसूस हिस्सा भूतों का अड्डा है। फरीदी पर एक तरह की नशावर कैफियत तारी थी जिसके तहत वहां से ही जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके कहकहे मुजमहिल होते गए और आखिरकार वो चकरा कर गिर पड़ा। हमीद और इंचार्ज दौड़ कर उसके करीब पहुंचे। वो बेहोश हो चुका था। अरे ये मामला क्या है, इंचार्ज ने घबराहट में कहा। न जाने क्या बात है, मैं खुद चक्कर में हूँ, हमीद ने फरीदी को झंझोड़ते हुए कहा। लेकिन फरीदी के चेहरे पर होश के कोई आसार पैदा न हुए। अब क्या किया जाए, हमीद ने इंचार्ज की तरफ देखकर कहा। हमीद साहब, अब तो मेरा भी यही ख्याल है कि ये जरूर कोई शैतानी कारखाना है, इंचार्ज ने लड़ते हुए कहा। गीदड़ की लाश का क्या मतलब, और फिर इसके साथ शराब की बोतलें और मुंह में दबा हुआ पाइप और वो शेर, ऐसी अजीब बातें आज तक देखने में नहीं आई। वो तो सब कुछ है, लेकिन ये बताओ कि इंस्पेक्टर साहब को होश में किस तरह लाया जाए, हमीद ने चारों तरफ देखते हुए कहा। सरकार, ये तो कोई फूंक झाड़ करने वाला ही कर सकता है, एक कांस्टेबल बोला। लगू, हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा इंचार्ज साहब, आप दो आदमी मेरे साथ कर दीजिए, मैं इन्हें इसी हालत में शहर ले जाऊंगा। हमीद ने गीदड़ की लाश और बकिया दो चीजें वहीं पड़ी रहने दी और बेहोश फरीदी को कार में डालकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वो खुद कार ड्राइव कर रहा था। रास्ते में ही फरीदी को होश आ गया। वो पिछली सीट पर लेटे ही लेटे बोला, हमीद हम कहाँ जा रहे हैं? ओ, आप होश में आ गए, हमीद ने जल्दी से कार रोकते हुए मुड़कर कहा। उठ कर बैठ गया और तभी लंगड़ाई लेते हुए बोला, बड़ा भयानक प्लॉट था। वो गीदड़ और बोतलें कहाँ? वो तो मैं वहीं छोड़ाया। अरे, फरीदी सीट पर उछलते हुए बोला, बड़े अहमक हो तुम, चलो फौरन कार वापस ले चलो, जल्दी करो। कार दोबारा वापस जा रही थी। कहो भाई, कुछ इसका मतलब समझ में आया, फरीदी ने कहा। समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन अगर कहूंगा तो खामखा मुझे ही अहमक बनना पड़ेगा।
आखिर कुछ तो। मेरा ख्याल है कि ये जगह जरूर भूतों से भरी पड़ी है। फिर वही हमाकत की बात, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था। तुम्हारा कसूर नहीं, हर शख्स यही समझेगा। मुजरिम ने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी चाल चली थी, मगर अफसोस कि वो अपने मकसद में नाकाम रहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अपनी इस हरकत से वो ये जाहिर करना चाहता था कि हकीकतन इस कतल में भूतों का हाथ है, लेकिन आपके इस तरह कहके मारकर बेहोश हो जाने का क्या मतलब था? इसी चीज ने तो मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में मदद दी है। तुम्हें याद होगा कि जब संगीन ने बोतल से टकराकर छनाका पैदा किया था, उस वक्त सबसे पहले मैं ही उसे देखने के लिए झुका था। जैसे ही मैं झुका, एक तेज किस्म की बू ने मेरा दिमाग पुरगंदा कर दिया, लेकिन उस वक्त मैंने उसे कोई अहमियत ना दी, लेकिन उसका असर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग पर हो रहा था। जैसे ही गीदड़ की लाश बरामद हुई, मैंने उसकी हैयत कुदाई देखकर हंसना शुरू कर दिया। मुझे सख्त हैरत थी कि आखिर मैं हंसी क्यों ना रोक सका जबकि और लोग खामोश थे। थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगा। इंतहाई कोशिश के बावजूद भी मेरी हंसी ना रुक सकी, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम जानते ही हो। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि उन बोतलों में किसी किस्म की गैस थी जिसके असर से मेरी ये हालत हुई। मुझे अच्छी तरह याद है कि दूसरी बोतल के मुंह पर एक मजबूत काक लगा हुआ था। खुदा करे उन अहमकों ने उसे खोला ना हो, वरना एक बहुत ही अहम चीज जाया हो जाएगी। उफ मेरे खुदा, हमीद ने हैरत से कहा। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि बदमाशों का अड्डा यहीं कहीं करीब ही है, वरना इतनी जल्दी इतना मुकम्मल प्लान बना लेना आसान काम नहीं। भाई जरा कार की रफ्तार और तेज करो, कहीं उनमें से कोई इस बोतल को खोल ना डाले। हमीद ने कार की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। उन दोनों की रवानगी के बाद ही एक कांस्टेबल ने खाली बोतल उठा ली और उसका कॉक निकाल कर सूंघने लगा। अचानक उस पर भी हंसी का दौरा पड़ा और थोड़ी देर बाद वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। फरीदी और हमीद उस वक्त वहां पहुंचे जब दूसरे कांस्टेबल उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब बुरी तरह खौफजदा थे। उन दोनों को देखते ही उन्होंने बेवक्त जल्दी जल्दी सारा वाकया बयान करना शुरू कर दिया। कई ने तो यहाँ तक कह दिया, चाहे नौकरी रहे चाहे जाए, अब किसी कीमत पर वहां न ठहरेंगे। तुम लोग डरो नहीं, फरीदी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अगर ये बोतल ना खोलता तो कभी इस हाल को ना पहुंचता। अब तुम में से कोई बेहोश ना होगा, लेकिन इसका अफसोस है कि इसने अपनी बेवकूफी से मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं, इंचार्ज ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। इन बोतलों में कोई नशावर और हंसाने वाली गैस बंद थी, फरीदी ने संजीदगी से कहा। हंसाने वाली गैस, इंचार्ज ने कहा। रुलाने वाली गैस तो मैंने देखी है, लेकिन हंसाने वाली गैस का आज तक नाम भी नहीं सुना। अगर रुलाने वाली गैस बन सकती है तो हंसाने वाली गैस बनाने में क्या दुश्वारी हो सकती है? ये और बात है कि मुजरिम के अलावा और किसी ने अब तक इस तरफ ध्यान ना दिया हो। मगर साहब, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इंचार्ज ने कहा। अफसोस तो इस बात का है कि वो चीज जाया ही हो गई, वरना मैं समझा देता। गीदड़ की लाश अब तक इसी हाल में पड़ी हुई थी। फरीदी ने आतिशी शीशा निकालकर बोतल का जायजा लेना शुरू किया। अफसोस कि उस कांस्टेबल की उंगलियों के निशानात के अलावा कोई और निशान इस बोतल पर नहीं, और ये टूटी हुई बोतल के टुकड़े इन पर भी कुछ नहीं। मगर वो शेर, हमीद जल्दी से बोला, कम से कम मुजरिम की तहरीर तो हमारे हाथ आ गई। बहुत अच्छे, फरीदी उसकी तरफ तारीफी नजरों से देखते हुए बोला। मगर हैरत है कि मुजरिम इतनी एहतियात बरतने के बावजूद भी यहाँ कैसे चूक गया। जरा लपक कर वो कागज खोलना। गीदड़ की लाश से वो कागज खोलकर जब हमीद पलटा तो उसका मुंह बुरी तरह लटका हुआ था। इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसने कहा। क्या ये शेर किसी किताब से काट कर इस कागज पर चिपका दिया गया है? यही तो मैंने कहा कि इतने चालाक आदमी ने भला ऐसी हिमाकत कैसे की, फरीदी ने कहा। हमीद साहब, इस मर्तबा अच्छा खासा मामा हाथ आया है। फरीदी रुमाल बिछाकर जमीन पर बैठ गया। वो सिगार के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसकी आंखें नीम ख्वाबी किसी हालत में गीदड़ की लाश पर जमी हुई थी। कांस्टेबल आपस में सरगोशियां कर रहे थे। हमीद घड़े की बकिया मट्टी निकाल निकाल कर एक तरफ ढेर कर रहा था। उसे अब भी उम्मीद थी कि जल्दी कोई चीज मिल जाएगी जिससे सुराग लगाने में आसानी हो। थोड़ी देर बाद वो थक हार कर पेशानी से पसीना पहुंचने लगा। फरीदी की निगाहें अब करबजवार की जमीन का तवाफ कर रही थी। दफ्तर वो चौंक पड़ा और उसकी आंखें चमकने लगी। उठकर घड़े के पास गया और फिर वहां झुककर कुछ देखते हुए मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर वो सीधा खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में बोला, हमीद यहाँ आओ, तुम्हें एक दिलचस्प चीज दिखाऊं। हमीद हाथ की मट्टी झाड़ता हुआ उसकी तरफ लपका। ये देखो, फरीदी ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। अरे भाई, फरीदी ने जमीन पर बैठते हुए किसी चीज की तरफ इशारा किया। जी हाँ, ये किसी चिड़िया के पंजों के निशान है।
तो क्या ये अजीब बात नहीं? अजीब बात? हमीद कहकहे लगाते हुए बोला, मुझे तो इसमें कोई अजीब बात नजर नहीं आती। भला किसी चिड़िया के पंजों के निशानात में क्या अजीब बात हो सकती है? भाई मान गया, फरीदी हंसते हुए बोला। क्या? यही कि तुम जिंदगी भर एक कामयाब जासूस नहीं हो सकते। चलिए मैं इसे माने लेता हूँ, लेकिन आखिर ये तो बताइए कि इन निशानात में अजीब बात कौन सी है? जमीन देख रहे हो कितनी सख्त है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। अभी तक बारिश भी नहीं हुई। ऐसी सूरत में किसी मामूली चिड़िया के पंजे इतने गहरे निशानात नहीं बना सकते। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि उसका वजन 2.5-3 मन से किसी तरह कम ना होगा, और इतने वजन की चिड़िया के साथ इतने छोटे छोटे पंजों का तस्वुर इंतहाई मदायका खेज मालूम होता है। फौरन सोचो तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना, जैसे किसी ऊंट को गोरिल्ला के पंजे अता कर दिए गए हों। और दूसरी बात देखो, यहाँ चार निशानों का दरमियानी फासला 4-4 उंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह चिड़िया के 2 कदम पूरे हुए। पहली चीज ये कि इतनी वजनदार चिड़िया इतने छोटे पैर रखती है कि वो 4 उंगल से ज्यादा नहीं फैल सकती। ये चारों निशान यहाँ खत्म हो गए। इसके बाद तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर फिर वैसे ही 4 निशान मिलते हैं। लिहाजा दूसरी मदाखा खेज बात ये हुई कि चिड़िया हर 2 कदम चलने के बाद 1.5 फुट की जस्त लगाती है। आगे बढ़ते आओ, ये देखो कहीं भी उसके मामूल में फर्क नहीं आया। 2 कदम चलने के बाद उसके लिए 1.5 फुट उछलना जरूरी है। कहो, कभी ऐसी चिड़िया ख्वाब में भी देखी थी? अब बताओ कैसी रही? फरीदी साहब, मैं फिर कहता हूँ कि ये भूत लाहौर वाला कुव्वत, फरीदी हमीद की बात काटते हुए बोला। फिर वही चुगतपन की बातें। तो फिर और क्या किया जाए? अबे कुछ किया ही क्यों जाए, फरीदी ने कहा। और दूसरी बात ये देखो, ये चिड़िया इस तरफ से आई, घड़े तक गई और फिर उसी तरफ वापस चली गई। वाकई बड़ी अजीब बात है, हमीद ने फरीदी की आंखों में देखते हुए कहा। और दिलचस्प भी, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। ऐसी अजीब और गरीब चिड़िया का शिकार दिलचस्पी से खाली ना होगा। क्या तुम अपना पिस्तौल साथ लाए हो? पिस्तौल तो है मेरे पास, मगर घबराओ नहीं, मेरी मौजूदगी में यहाँ के भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ मेरे साथ चलो, फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या उन लोगों को साथ ले चलिएगा? हमीद ने कांस्टेबलों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अजीब डरपोक आदमी हो, इतने आदमी देखकर अगर चिड़िया उड़ गई तो तुम्हें तो कोई कहानियां सुनाने वाली दादी अम्मा होना चाहिए था। मर्द बनो बरखुरदार। चलिए साहब, हमीद मुर्दा सी आवाज में बोला। दोनों अजीब और गरीब निशानात को देखकर आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर फिर झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। झाड़ियों के दरमियान एक बल खाती हुई पगडंडी दूर तक चली गई थी। देखो मियां हमीद, ये चिड़िया हम लोगों की तरह अकलमंद मालूम होती है कि झाड़ियों में घुसने की बजाय पगडंडियों ही पर चलती है। बहुत मुमकिन है ये काफी पढ़ी लिखी भी हो, क्या ख्याल है? मैं क्या बताऊं, आप रूहानियत वगैरह के तो कायल ही नहीं। खैर, कभी ना कभी तो कायल होना ही पड़ेगा। मुमकिन है कि इसी केस के सिलसिले में आपको अपने ख्याल तब्दील करने पड़े। भाई तुम्हें इस महकमे में आने के लिए किसने कहा था? तुम्हारे लिए तो किसी खानकाह की सजदा नशीनी ही बेहतर है। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों में सबसे ज्यादा दही समझता था, लेकिन तुम निकले नरे गाउदी लाहौर वाला कौवत। आप जो चाहे कहें, मगर मुझे यकीन है कि ये सब किसी इंसान का काम नहीं। अच्छा चलो वो भूत ही सही, लेकिन वाजे रहे कि मैं अपने इलाके में ऐसे नामाकूल भूत का वजूद ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए ऐसा ना कहिए, हमें जल्दी से बोला। क्यों, क्या भूत तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? अगर ऐसा है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप तो समझते नहीं, हमीद बुरा मान कर बोला। क्या नहीं समझता? खैर होगा, हटाइए मुझे। क्या आखिर कुछ कहो भी तो, अब ज्यादा अहमक नहीं बनना चाहता। क्या तुम बुरा मान गए? अरे भाई, रास्ता कटने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मालूम नहीं अभी और कितनी दूर चलना होगा। मेरा ख्याल है कि क्यों ना इस केस को मामूली तफ्तीश के बाद टाल ही दिया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये किसी इंसान का काम नहीं, हमीद ने संजीदगी से कहा। भाई बहुत अच्छे, क्या बात कही आपने, फरीदी ने हमीद की पीठ ठोंकते हुए कहा। लेकिन हमीद साहब, ये पहला केस है जिसमें मुझे सही मायनों में लुत्फ आ रहा है। ये दोनों अब चिड़िया की पंजों के निशानात पर चलते हुए तकरीबन 1 मील निकल आए थे। यहाँ आकर वो पगडंडी एक कच्ची सड़क से मिल गई थी। सड़क के उस पार फिर घनेरी झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ वो निशानात भी मिट गए थे। सड़क के दूसरी तरफ भी निशानात ना मिले। फरीदी कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, फिर चुटकी बजाकर बोला, तो हमीद साहब वो चिड़िया यहाँ तक पैदल आई, इसके बाद फिर मोटर पर बैठकर शुमाल की तरफ रवाना हो गई। हमीद बेसाख्ता हंस पड़ा। इस वक्त मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, हमीद हंसी रोकते हुए बोला। तुम शायद मजाक समझ रहे हो, फरीदी ने संजीदगी से कहा। ये देखो मोटर के पहियों के निशानात,
जुनूब की तरफ कहीं नजर न आते। कोई मोटर यहाँ तक ले आया। इसके बाद फिर जुनूब की तरफ से शुमाल की तरफ घुमाया गया। यहीं से चिड़िया के पंजों के निशानात भी गायब है। बहुत मुमकिन है कि चिड़िया मोटर की आवाज सुनकर हो गई हो। फिर वही बचपने की बातें। अरे मियाँ, अगर वो 2.5-3 मन की चिड़िया उड़ सकती होती तो इतनी दूर पैदल क्यों आती। ये रही बेपर की, हमीद कहकहा लगाकर बोला। खैर खुदा का शुक्र है तुम हंसे तो, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा हो, अब उस मोटर के पीछे चलें। तो गोया वो सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की मिसल सादिक आया चाहती है, हमीद जमीन पर बैठते हुए बोला। अब तो चला नहीं जाता, पहले आप ये तो बताइए कि आप किस प्लान पर अमल कर रहे हैं, तभी चल सकूंगा। बच्चे मत बनो, चलो उठो, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। गनीमत यही है कि आज लू नहीं चल रही है। तो क्यों ना हम लोग अपनी कार यहाँ ले आए और फिर। अच्छा बकरोमत, हमें पैदल ही चलना है, फरीदी ने तलख लहजे में कहा। तो मैं कब कहता हूँ कि पैदल ना चलूंगा, हमीद ने ऐसे मासूमाना लहजे में कहा कि फरीदी को बेसाख्ता हंसी आ गई। दोनों फिर मोटरों के पहियों के निशानात देखते हुए शुमाल की तरफ रवाना हो गए। आगे चलकर झाड़ियों के सिलसिले कम हो गए थे। तकरीबन 4 फरलांग चलने के बाद एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। कच्ची सड़क उस गांव के बाहर से होती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों चलते रहे। एक पुख्ता और नई वजह की इमारत दूर से ही दिखाई दे रही थी। यह गालिबन इस गांव के जमींदार का मकान मालूम होता है, फरीदी ने कहा। दोनों इमारत के करीब पहुंच चुके थे। ये नए तर्ज की एक बड़ी इमारत थी जिसके आगे 4 दीवारी में घिरा हुआ पाए बाग था। देखिए मोटर के पहियों के निशानात मैदान हशर में ले जाते हैं या। ठहरो, फरीदी हमीद की बात काटता हुआ जमीन पर झुक गया। हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए दूसरी तरफ देखने लगा। ये देखो, शायद वो चिड़िया यहीं पर मोटर से उतरी है, फरीदी ने चिड़िया की पंजों के निशानात की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कहीं कहीं नजर आ रहे थे। फरीदी निशानात को देखता पाई बाग के फाटक की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों बाग में दाखिल हो गए। अचानक एक बड़ा कुत्ता गुर्राता हुआ उनकी तरफ झपटा। जैक, जैक! एक दुश्मनी आवाज आई और कुत्ता दुम हिलाता हुआ लौट गया। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, औरत करीब आकर तेज लहजे में बोली। ये कबूर सूरत जवान औरत थी। लिबास का रखरखाव और अंदाज़े गुफ्तगू जाहिर कर रहा था कि वो इस घर की मालिका है। उसने प्याजी रंग की जर्जर की साड़ी पहन रखी थी। बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। आंखों में एक अजीब किस्म की कशिश थी। सर्जन हमीद एक खूबसूरत और जवान औरत को अपने करीब देखकर कुछ भौंकला सा गया, लेकिन फरीदी के अंदाज में किसी किस्म की तब्दीली न हुई। वो नहायत पुरसकून लहजे में बोला, मोहतरमा, हम लोग महकमा सुराग रसानी से ताल्लुक रखते हैं। खैर खुदा का शुक्र है कि आप लोग चौंकी तो, उसने तंजिया अंदाज में कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा, फरीदी ने मुतहयर होकर कहा। बहुत खूब, तो गोया आप लोग इस बाग में बगैर तफरी तशरीफ लाए हैं। जी नहीं, हम लोग तो। खैर छोड़िए इन बातों को, कुछ सुराग मिला? मैं बहुत परेशान हूँ, वो बोली। फरीदी और हमीद हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मोहतरमा बाखुदा, मैं कुछ नहीं समझा, फरीदी ने कहा। तो आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, वो गुस्से से बोली। देखिए साफ साफ बात कीजिए, हम लोग एक कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं, फरीदी ने बेसाख्ता कहा। कत्ल? वो चौंक कर एक कदम पीछे हटते हुए बोली। किसका कत्ल? एक गुमनाम आदमी का। देखिए साहब, बेकार वक्त जाया ना कीजिए, आपको एक औरत से मजाक करने की अच्छी खासी सजा मिल सकती है। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए, फरीदी ने अपना मुलाकाती कार्ड देते हुए कहा। इंस्पेक्टर ए के फरीदी, औरत ने आहिस्ता से कहा। फरीदी साहब माफ कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। परसों रात से मेरी सहेली बिमला गायब है। वो 2 माह के लिए यहाँ आई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसके वालदेन को क्या जवाब दूंगी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस वक्त समझी कि शायद आप लोग उसी के मुतालिक कोई इत्तला देने आए हैं। मोहतरमा, हमें इसका कोई इल्म नहीं। हम तो इस वक्त एक अजीब और गरीब चिड़िया का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं, फरीदी ने कहा। हमें आपकी सहेली के मुतालिक कोई इत्तला नहीं। मुझे सख्त तशवीश है। अगर शाम को यहाँ की पुलिस ने कोई खबर न दी तो मैं यकीनन इस मामले को आगे बढ़ा दूंगी। अगर आप मुझे उस चिड़िया की तलाश में मदद दे सकें तो शुक्रगुजार होऊंगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं आपकी सहेली का पता लगाने की कोशिश करूंगा, मैं वादा करता हूँ। भला मैं क्या कर सकती हूँ, इस बाग में दिन भर बेशुमार परिंदे आते होंगे, वो मुस्कुरा कर बोली। नहीं, वो परिंदा अपनी नौइयत का एक ही मालूम होता है, फरीदी ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। यही कि उसका वजन 2.5 मन से किसी तरह कम ना होगा, हमीद ने जल्दी से कहा। आप तो तिलस्म हो शर्मा की बातें कर रहे हैं, वो बेसाख्ता हंस पड़ी। सर्जेंट हमीद हैं, फरीद ने हमीद की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत दिलचस्प आदमी है, आप इनकी बातों का कुछ ख्याल न कीजिएगा। कोई बात नहीं, औरत मुस्कुरा कर बोली। फरीदी को अपनी हिमाकत पर अफसोस हो रहा था कि उसने चिड़िया का राज इतनी जल्दी क्यों उगल दिया।
गर्मियों की दोपहर में इतनी मुसाफत पैदल तय करके ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखना आसान काम नहीं। बहरहाल अपनी गलती का एहसास होते ही वो फौरन संभल कर बोला, मोहतरमा बात दरअसल यह है कि हम लोग आप ही के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। अभी अभी हमें मालूम हुआ है कि यहाँ से 3 मील के फासले पर किसी घड़े से एक लाश बरामद हुई है, लेकिन वो किसी मर्द की है, आप परेशान न हो। आपकी तो कोई बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है, अभी तो आप चिड़िया। ठीक है उसकी बात काटता हुआ बोला, हम सुराख रसानों के काम करने के तरीके आवाम की समझ में नहीं आ सकते। बहरहाल अगर तकलीफ ना हो तो पहले हमें थोड़ा सा पानी पिलाइए, इसके बाद हम लोग किसी कायदे की बात के काबिल हो सकेंगे। आप देखती हैं कितनी सख्त धूप है। जरूर जरूर अंदर तशरीफ ले चलिए, वो बरामदे की तरफ मुड़ती हुई बोली। बरामदे में पहुंचकर दोनों ने अपने कोट उतार कर कुर्सियों पर डाल दिए और रुमाल से चेहरों का पसीना पोंछते आराम कुर्सियों पर गिर गए। यहाँ भी काफी तपिश है, औरत बोली, मेरे ख्याल से अंदर ठीक रहेगा। ड्राइंग रूम में पहुँच कर वो सोफों पर बैठ गए। औरत ने मुलाजिम को बुलाकर पानी लाने को कहा। ड्राइंग रूम को बहुत ही खुश सलीके से सजाया गया था। फर्श पर एक दबीज और कीमती कालीन बिछा हुआ था। सोफों पर फूलदार रेशमी कपड़े के गलाफ चढ़े हुए थे। दीवारों पर बड़े फ्रेमों में आर्ट के उम्दा नमूने नजर आ रहे थे। फरीदी इस दही इलाके में ये शान और शौकत देख कर मुतय्यर हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मुलाजिम शीशे के जग में ठंडा पानी लाया। मेरे ख्याल से कुछ खा भी लीजिए, औरत बोली। जी नहीं शुक्रिया, फरीदी ने पानी के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोनों ने जी भर कर पानी पिया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। वाकई बिमला देवी का इस तरह गायब हो जाना हैरत अंगेज है, फरीदी बोला। अमित चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि यह हजरत चिड़िया से बिमला देवी तक क्यों कर जा पहुँचे। क्या बताऊँ इंस्पेक्टर साहब की मुझे कितनी परेशानी है। कुदरती बात है, फरीदी सर हिलाकर बोला। अब यही समझ में नहीं आता कि उसके वालदेन को क्या जवाब दूंगी। क्या आपने उन्हें इसकी कोई इत्तला दी। अब तक तो नहीं, समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या लिखूं। तो क्या वो कहीं दूर रहते हैं, फरीदी ने कहा। जी हाँ कानपुर में, उसके वालदेन वहाँ रूई के बहुत बड़े ताजिर हैं। शायद आपने नाम सुना होगा, सेठ करमचंद। ओह अच्छा, तो यहाँ अपने शौहर से लड़ कर आई थी, फरीदी बोला। नहीं साहब अभी उसकी शादी नहीं हुई, वो मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। यूं ही तब्दीली आबो हवा के लिए यहाँ आई थी, तकरीबन 1 माह की बात है। और अभी 1 माह और रहने का इरादा था। जी हाँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो किसी वजह से आपको इत्तला दिए बगैर कानपुर चली गई हो। ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती कि वो नंगे पैर बगैर सामान लिए यहाँ से चली जाए। नंगे पैर, क्या मतलब। जी हाँ सारे सैंडल उसके कमरे में मौजूद हैं और वो सारा सामान जो वो अपने साथ लाई थी। हैरत की बात है, फरीदी हमीद की तरफ देखते हुए बोला। अच्छा ये बताइए, इस दौरान में उनके पास बाहर से कुछ खतूत भी आए थे। जी हाँ, ये ज्यादातर उनके वालदेन या मंगेतर के होते थे। फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या आपको उन खतूत के देखने का भी इत्तफाक हुआ। जी नहीं। उनके मंगेतर का क्या नाम है। रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, फरीदी तकरीबन उछलते हुए बोला, क्या आपने उसे देखा भी है। कई बार। क्या वो कभी यहाँ आया था। नहीं, मैं उससे कानपुर में मिल चुकी हूँ। तब आपको मेरे साथ कोतवाली तक चलने की जहमत करनी पड़ेगी। क्यों, औरत मुतहयर होकर बोली। आज जिस शख्स की लाश धर्मपुर के जंगल में मिली है उसने भी अपना नाम रणधीर सिंह ही बताया था। अरे तू गोया, औरत कांपने लगी। घबराने की कोई बात नहीं, फरीदी उठते हुए बोला, जल्दी कीजिए। दफ्तर दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी और एक अधेड़ उम्र का मजबूत आदमी कमरे में दाखिल होकर खड़ा हो गया। वो खला में ताक रहा था। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। बड़े से लंबूतरे चेहरे पर उसकी बड़ी वीरान आंखें बहुत ही खौफनाक मालूम हो रही थी। दहाना काफी फैला हुआ था और दोनों कानों पर घने बालों की लकीरें थी। चेहरा इस तरह साफ था जैसे उसने अभी अभी शेव किया हो। सांस के साथ साथ उसकी फूली हुई नाक के नथने फूट पिचक रहे थे। बाजुओं की उभरी मछलियां आस्तीन के ऊपर से साफ जाहिर हो रही थी। यहाँ कौन है, वो गरज कर बोला। औरत घबरा कर खड़ी हो गई। जी ये महकमा सुराग रसानी के इंस्पेक्टर फरीदी साहब हैं, बिमला वाले केस की तहकीकात के सिलसिले में आए हैं, वो बोली। अच्छा, वो छड़ी से जमीन टटोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर एक सोफे पर बैठते हुए बोला, कहिए इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला। अभी तक तो कुछ नहीं मालूम हो सका, फरीदी ने कहा। ये मुझे अपने साथ कोतवाली ले जाना चाहते हैं, औरत बोली। क्यों, उसने तेज आवाज में कहा। यहाँ कहीं कोई कत्ल हो गया है। तो फिर इस कत्ल से तुम्हें क्या सरोकार, बूढ़े के लहजे में हैरत थी। मेरा ख्याल है कि मकतूल बिमला देवी का मंगेतर है, फरीदी ने कहा। चलिए एक न शुद्ध दो शुद्ध, वो झुंझला कर बोला। अभी बिमला ही ने नाक में दम कर रखा था, अब उनके मंगेतर भी अल्लाह को प्यारे हो गए।
लाहौर वाला कुव्वत, जाओ भाई जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। खबरदार, अब तुम्हारी कोई मनहूस सहेली इस घर में कदम न रखने पाए। वो तीनों उठकर बाहर आए। औरत ने ड्राइवर से कार लाने को कहा और तीनों शहर की तरफ रवाना हो गए। मोहतरमा, एक बात पूछ सकता हूँ? फरीदी ने कहा। ये कौन साहब थे? ठाकुर दिलबेर सिंह, मेरे मरहूम शौहर के बड़े भाई। तो क्या ये नाबीना है? जी हाँ, दो बरस हुए इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपने खावन के मुतालिक भी बता दीजिए, फरीदी ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी, औरत फरीदी को घूरते हुए बोली। मैं अपनी इत्तला के लिए आपके खानदानी हालात मालूम करना चाहता हूँ। ओह, क्या आपने मशहूर साइंसदान प्रकाश बाबू का नाम नहीं सुना? वो मेरे शौहर थे, 3 साल हुए उनका इंतकाल हो गया। प्रकाश बाबू? फरीदी ने आहिस्ता से दोहराया। वही तो नहीं जो झील में डूब गए थे? जी हाँ वही। उनके बाद से उनके बड़े भाई ठाकुर दिलबेर सिंह मेरे निगरान हैं। उन्होंने मुझे पिताजी के घर नहीं जाने दिया। मेरे पिता एक रोशन ख्याल आदमी है, वो मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मगर मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ? आपको मेरे खानदानी हालात से क्या सरोकार? अगर इससे आपको कोई तकलीफ पहुँची हो तो माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ये तस्करा मेरे लिए बहुत ही इंदोनाक होता है। कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर फरीदी उसे लाश वाले कमरे में ले गया। लाश को देखकर औरत बुरी तरह कांपने लगी। वो सचमुच बिमला की मंगेतर ही की लाश थी। इस नए इंकशाफ पर कोतवाली में हलचल मच गई। रणधीर सिंह और बिमला के वालदैन को सरकारी तौर पर तार दिए गए। औरत बुरी तरह खाइफ थी। ऑफिसरों की गुफ्तगू से उसने ये अंदाजा लगाया कि शायद उसे हिरासत में लिया जाए। फरीदी साहब, मैं तो बड़ी परेशानी में फंस गई, औरत परेशानी के लहजे में बोली। घबराइए नहीं, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाऊं। फरीदी हमीद को कोतवाली में छोड़कर खुद उस औरत के साथ चला गया। फरीदी जब उस औरत को पहुंचाकर वापस आया तो कोतवाली में सर्जन हमीद को अपना मुंतजर पाया। हमीद उसे बुरी तरह घूर घूर कर देख रहा था। क्यों भाई, इस तरह क्यों घूर रहे हो? फरीदी मुस्कुराकर बोला। मैं आपके होंठों पर लिपस्टिक के धब्बे तलाश कर रहा था, हमीद ने सादगी से कहा। बड़े गंदे ख्याल हैं तुम्हारे, फरीदी मुंह सिकोड़ कर बोला। जी नहीं, मैं इंतहाई पाको साफ ख्याल का आदमी हूँ, तभी तो मैं यहाँ तनहा छोड़ दिया गया था। ओ तो ये कहो, तुम अच्छे खासे घरे हो। अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं कभी इतने काम की बातें ना मालूम कर सकता। जी हाँ, ऐसे मौकों पर यही होता है, हमीद बदस्तूर इसी तरह मुंह चलाते हुए बोला। भाई खुदा के लिए अब तुम जल्दी से शादी कर डालो, वरना अपने साथ मुझे भी ले डूबोगे, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। नहीं साहब, आप इत्मीनान रखिए, मैं अकेला ही डूबूंगा। अच्छा बस चुगतपन खत्म करो, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया। चलो अब घर चलें, वहीं बातें होंगी। चलो तुम्हें एक दिलचस्प खबर सुनाऊंगा, मैं उस अजीब और गरीब चिड़िया की टांगे काट लाया हूँ। हमीद हैरत से उसका मुँह देख रहा था। घर पहुँच कर दोनों ने खाना खाया और एक एक सिगार सुलगा कर आराम कुर्सियों पर गिर गए। फरीदी 2-3 लंबे लंबे कश लेने के बाद बोला। भाई वो औरत काफी खूबसूरत है, हमीद ने उसकी बात काट कर जुमला पूरा कर दिया। फिर वही हिमाकत की बातें, आखिर आप इस मौजू से क्यों भागते हैं? हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। इसलिए कि मेरी जिंसियत औरत के बजाय खतरात में पड़ने से तस्कीन पाती है, फरीदी ने जवाब दिया। ये सब फलसफा है या फिर मुमकिन है कि अल्लाह ने आपको किसी खास मूड में बनाया हो, हमीद ने हंसकर कहा। खैर भाई, ये बातें फिर होंगी। मैं ये बताने जा रहा था कि उस औरत का नाम सरोज है, वो अपने शौहर के बड़े भाई के साथ उसी मकान में रहती है। वो अंधा ठाकुर दिलबेर सिंह भी बड़ी पुरसरार शख्सियत का मालिक मालूम होता है। सरोज के शौहर के मुतालिक बहुत सी बातें मालूम हुई। ये तो तुम जानते ही हो कि वो एक साइंसदान था। आज मैंने उसकी लेबोरेटरी भी देखी जो अब बहुत खराब हालत में है। उसे अजीब और गरीब चीजें जमा करने का भी शौक था। मैंने उसके तरतीब हुए अजायब घर की भी सैर की, दुनिया भर की अजीब और गरीब चीजें देखने में आई। बिमला के कमरे की तलाशी ली, वहाँ कोई खास चीज नहीं मिल सकी। उसके दौरान कयाम में उसके पास जो खतूत आए थे उन्हें भी देखा, लेकिन कोई काम की बात ना मालूम हो सकी। सरोज और दिलबेर सिंह पर सवालात की बौछार की, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। दिलबेर सिंह इंतहाई जिद्दी और चिड़चिड़ा आदमी है, उसने किसी बात का जवाब शराफत और संजीदगी से ना दिया। मेरा ख्याल है कि ये लोग काफी दौलतमंद हैं और आमदनी का जरिया उनकी जायदाद है। उनका हल्का अहबाब ज्यादा वसी नहीं है, 2-3 आदमी अक्सर उनके यहाँ आकर ठहरा करते हैं और बस। उनमें से एक डॉक्टर है, एक ताजिर और एक वकील, ये सब यही शहर में रहते हैं। उनमें से एक बहुत ज्यादा मशकूक चाल चलन का आदमी है, वो है डॉक्टर सतीश। लेकिन ये मेरा जाती ख्याल है, शहर वाले तो उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं। वैसे वो मेरी ब्लैक लिस्ट पर है और शायद मेरे अलावा कोई और उसके कारनामों से वाकिफ भी ना हो। अभी तक तो इन बातों में मुझे कोई काम की बात नजर नहीं आई, हमीद ने कहा। सरोज के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई बुरा ख्याल तो अभी तक नहीं कायम कर सका।
लेकिन मुझे तो वो मशकूक नजर आती है, हमीद ने कहा। मशकूक तो मैं भी था, लेकिन अब ये ख्याल बदल देना पड़ा क्योंकि उस चिड़िया की तलाश में उसी ने मुझे मदद दी थी। हाँ, वो चिड़िया की टांगों का किस्सा क्या है? किस्सा कुछ नहीं, जो ख्याल मैंने पहले कायम किया था वो सच निकला। मैंने दौरान गुफ्तगू में सरोज से चिड़िया के पंजों का तस्करा किया। सारे वाकया सुनकर वो सोचने लगी, फिर अचानक चौंक पड़ी। मैंने उसे वो निशानात दिखाई भी, उसका चेहरा उतर गया। वो मुझे अपने शौहर के अजायब घर में ले गई और कहने लगी, मुझे ताज्जुब है कि उन्हें किसने इस्तेमाल किया। उस जूते के तले में लोहे के बने हुए चिड़िया के पंजे जड़े हुए थे। उसने मुझे बताया कि उसके शौहर ने ये जूते किसी सैयाह से खरीदे थे और उन्हें अपने अजायबात में इजाफा समझकर वहां रख दिया था। वो सख्त परेशान थी, बार बार यही कहती थी कि आखिर उन जूतों को किसने इस्तेमाल किया। मैं उन जूतों को अपने हमरा लेता आया हूँ और उसी वक्त उन्हें फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट के हवाले कर आया हूँ। अगर मुजरिम ने मोजे पहन रखे होंगे तो उसमें उसके पैरों की उंगलियों के निशाना जरूर होंगे। फरीदी खामोश हो गया। हमीद हैरत से मुंह फाड़े सुन रहा था। फरीदी के खामोश होते ही बोला, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वाकई वो औरत जूतों के इस्तेमाल करने वाले से नावाकिफ है? अगर ऐसा होता तो वो मुझे जूते दिखाने के बजाय उन्हें तल्फ कर देती। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नजरों में चिड़िया के पंजों की इतनी अहमियत देखकर उसने यही मुनासिब समझा कि जूते आपके हवाले करके आपका शुबा इस मकान के रहने वालों की तरफ से दूर कर दे, क्योंकि चिड़िया के पंजों के निशानात उसके कंपाउंड में भी पाए गए थे। बहरहाल उससे इसकी बेगुनाही तो साबित ही हो गई। रह गए उस घर के दूसरे लोग या वहां आने जाने वाले, तो उनके अलावा और कौन इन जूतों को पहन सकता है? कुछ भी हो, मामला बहुत उलझा हुआ है। मेरे ख्याल से तो उस घर भर के लोगों को हिरासत में ले लेना चाहिए। लेकिन मैं इसे दोस्त नहीं समझता। मैंने सरोज को समझा दिया है कि वो इन जूतों के बारे में किसी से तस्करा ना करे, हत्ता के दिलबेर सिंह को भी ये बात मालूम ना होने पाए। उन लोगों पर शुबा करने से एक कातिल बहुत ज्यादा मोहतात हो जाएगा। खैर बहरहाल अब आपने क्या सोचा है? हमीद ने जमाई लेते हुए कहा। मैं 11 बजे गाड़ी से कानपुर जा रहा हूँ। क्यों, वहां जाने की क्या जरूरत है? बिमला और रणधीर के वालदैन को तार दे दिए गए हैं। मुझे उनके वालदैन से कोई गर्ज नहीं है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि रणधीर यहाँ आया क्यों था। बहरहाल मैं कल रात तक यहाँ वापस आ जाऊंगा। सरोज के मकान की निगरानी के मुतालिक हिदायत दे चुका हूँ और तुम खास तौर पर सरोज पर नजर रखना। अजीब मामला है, हमीद उकता कर बोला। कभी आप ये कहते हैं कि मेरा शुबा उस पर नहीं और कभी उसकी निगरानी का हुक्म सादिर फरमाते हैं। अगर इतना ही समझते होते तो मेरी जगह पर होते, फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बहरहाल जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करना। और हाँ, निगरानी से मेरा ये मतलब नहीं कि आप उससे बाकायदा इश्क शुरू कर दें, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। मुतमईन रहिए, मैं पराई बहू बेटियों को अपनी ही समझता हूँ, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। बेहतर है कि आप उन्हें पराई ही रहने दें। खैर मजाक छोड़ो, हाँ इस बात का खास ख्याल रखना कि किसी पर जाहिर ना होने पाए कि मकान की निगरानी हो रही है। निगरानी के लिए मैंने अनवर कुमार और वहीद को मुकर्रर किया है और तुम उनके इंचार्ज हो। उनसे जो इत्तलात मिले उनको बाकायदा रिकॉर्ड रखना। और हाँ, डॉक्टर सतीश की डिस्पेंसरी के पास एक फकीर बैठा है, उससे तुम्हें डॉक्टर सतीश के मुतालिक इत्तलात मिलेंगी, उन्हें भी महफूज रखना। फरीदी खामोश हो गया, उसके सिगार का गुंजान धुआं फजा में मरगोले बना रहा था। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अभी तक फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट से कोई खबर नहीं आई। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि जूतों में किसी किस्म के निशानात मिल सकें। कातिल इंतहाई चलाक है, उसने ऐसी हिमाकत ना की होगी। ऐसा मुमकिन है, हमीद ने कहा। उसके फरिश्तों के जहन में भी ये बात नहीं आ सकती कि आपका हाथ उन जूतों तक पहुंच सके। बहरहाल अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और फरीदी के हाथ में कागज देकर खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। लो देखो, रिपोर्ट आ गई, फरीदी ने कागज हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। किसी किस्म के निशानात नहीं मिल सके, हालांकि निशानात होने चाहिए थे क्योंकि आजकल गर्मियों में उमूमन सबके पैर कुछ न कुछ जरूर पसीजते हैं। खैर देखा जाएगा। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर आने वाले की तरफ देख कर बोला, अब तुम जा सकते हो। अच्छा भाई, अब मैं रवानगी की तैयारी करूं। देखो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, जरा भी चूके नहीं कि काम बिगड़ा। आप इत्मीनान रखिए, अब मैं पूरी पूरी एहतियात करूंगा, हमीद ने उठते हुए कहा। इस वक्त 9 बजे हैं। लाश की शनाख्त के वक्त से लेकर 11 बजे तक के वक्फे में एक के अलावा और कोई ट्रेन कानपुर ना जाएगी। मैं आपका मतलब समझ गया, लेकिन दूसरा कोई कार से भी जा सकता है, हमीद ने मुड़कर कहा। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी गया हो, लेकिन बेसुध रणधीर सिंह के मकान के करीब परिंदा भी पर ना मार सकेगा। मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। लाश की शनाख्त के बाद ही मैंने कानपुर के महकमा सुराग रसानी को बजरिया तार मुतला कर दिया था।
इस वक्त रणधीर सिंह के मकान के एक एक कमरे में पुलिस के आदमी मुतय्यन होंगे। तो फिर अब आपकी जाने की क्या जरूरत है, हमीद ने कहा। भाई हर एक के काम करने का तरीका अलग होता है। अच्छा अब मैं जरा अपना सामान दुरुस्त कर लूं। फरीदी ने ये कहकर मुड़ने का इरादा किया ही था कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वहीद, फरीदी ने चौंक कर कहा, क्या बात है? वहीद का सांस फूला हुआ था, वो रुक कर दम लेने लगा, फिर रुक रुक कर बोला, एक लाश और। क्या मतलब? हमीद जल्दी से बोला, मैं इंस्पेक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक उस मकान की निगरानी के लिए जा रहा था। जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां से रणधीर की लाश बरामद हुई थी, तो मुझे बहुत सख्त बदबू महसूस हुई। अंधेरा फैल चुका था। मैंने टॉर्च की रोशनी में एक औरत की लाश देखी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कहीं से खोद कर निकाली गई हो। तो फिर तुमने क्या किया, फरीदी ने जल्दी से कहा। मैं करीब के देहात से 4-5 आदमियों का इंतजाम करके लाश कोतवाली उठवा कर लाया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया हमीद, मेरा जाना नहीं रुक सकता। ये लाश दरअसल मेरे रुकने के लिए ही निकाली गई है। अच्छा बताओ ये लाश किसकी हो सकती है? भला मैं क्या बता सकता हूँ, हमीद ने कहा। यह उसी औरत की लाश है जिसका तस्करा रणधीर ने कोतवाली इंचार्ज से किया था, यानी बिमला की लाश। अरे, हमीद ने चौंक कर पीछे हटते हुए कहा, लेकिन आप वसूख के साथ किस तरह कह सकते हैं? अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम सीधे सरोज के यहाँ चले जाओ और उसे लेकर कोतवाली आओ। दिलेर सिंह अगर उसे तरह ना आने दे तो उसे भी लेते आना। और हाँ देखो, सब काम एहतियात से करना, मुमकिन है कि वापसी में मुझसे मुलाकात ना हो सके, इसलिए गुड नाइट। फरीदी ये कहता हुआ कमरे में चला गया। दिल्ली एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से चीखती चिंगारती भाग रही थी। इंस्पेक्टर फरीदी एक मामूर आदमी के भेस में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था। गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, और अगर शायद इस वक्त नींद आती भी तो ना सोता, क्योंकि सामने वाली बर्थ पर लेटा हुआ सिख उसकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। वो 2-3 स्टेशन के बाद सवार हुआ था और इस वक्त कोई अखबार पढ़ रहा था। सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज ये थी कि उसने इस वक्त भी स्याह ऐनक पहन रखी थी। फरीदी सोचने लगा कि अगर उसकी आंखें खराब होती तो वो इस वक्त अखबार ना पढ़ता, और अगर आंखें नहीं तो रात के वक्त स्याह ऐनक लगाकर पढ़ना किसी होशमंद आदमी के लिए नामुमकिन है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो पागल है, या फिर अभी वो सोच ही रहा था कि सिख ने उसकी तरफ करवट बदली और मुस्कुराने लगा। क्यों साहब, कानपुर किस वक्त आएगा, उसने जमाई लेते हुए कहा। कानपुर नहीं आएगा, बल्कि हम लोग 4 बजे कानपुर पहुंचेंगे, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। खैर की बात है, उसने हंसकर कहा और फिर चौंक कर उठ बैठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर अपना जूता तलाश करने लगा। जब वो बाथरूम से लौटा तो फरीदी के सामने खड़ा हो गया। फरीदी साहब, आदाब अर्ज है, उसने मुस्कुरा कर झुकते हुए कहा। अगर फरीदी की जगह पर कोई और होता तो इस अचानक हमले पर जरूर भौंकला जाता, लेकिन फरीदी उसी तरह पुरसुकून रहा। सिख ने शायद ये समझा था कि अचानक पहचान लिए जाने पर फरीदी जरूर परेशान हो जाएगा, लेकिन जब उसने ये देखा कि फरीदी के इत्मीनान में किसी किस्म का फर्क नहीं आया तो वो खुद बुरी तरह भौंकला गया। आदाब अर्ज, फरीदी ने लेटे ही लेटे कहा और फिर किसी ख्याल में डूब कर सिगार के कश लेने लगा जैसे कोई बात ही ना हो। सिख शायद उलझन में पड़ गया था कि अब क्या कहे। उसकी हालत बिल्कुल उस बच्चे जैसी हो रही थी जिसकी शरारत से अचानक कोई कार स्टार्ट हो जाए और वो भौंकला कर ये सोच रहा हो कि अब मशीन किस तरह बंद की जाए। वो घुटी घुटी आवाज में खांसने लगा। फरीदी का अंदाज ऐसा था जैसे उसके अलावा इस कंपार्टमेंट में कोई और ना हो। फरीदी साहब, कहिए कैसा पहचाना, वो दोबारा झेपी हुई हंसी के साथ बोला। फरीदी चौंक कर बोला, लेकिन मेरी शराफत की भी दाद दीजिए कि मैंने आपको पहचान कर भी खामखा दखल दर माकूलात की जरूरत नहीं समझी। आप भला मुझे क्या जाने, वो घबरा कर एक कदम पीछे हटते हुए बोला। क्यों सरदार जी, क्या अभी ये बताने की जरूरत रह जाती है कि आपकी दाढ़ी और केस दोनों नकली हैं? फरीदी ने लेटे ही लेटे छत की तरफ देखते हुए कहा। सिख चुपचाप अपनी बर्थ की तरफ लौट गया। फरीदी बदस्तूर उसी तरह लेटा छत की तरफ देख रहा था। हालांकि चलती हुई ट्रेन के अंदर हवा के झर्राटे आ रहे थे और पंखा चल रहा था, लेकिन फिर भी सिख के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें फूट आई थी। उसने सिराने रखे हुए छोटे से अटैची से रिवॉल्वर निकाला और फरीदी की तरफ तान कर कहने लगा, बस खबरदार उठने की कोशिश ना करना। अजीब अहमक आदमी हो, फरीदी ने हंस कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे दिल में यह ख्याल कैसे पैदा हुआ कि खामखा उठने की कोशिश करूंगा? बकवास, सिख गरज कर बोला। देखो भाई, गुफ्तगू के दौरान में तहजीब शर्त है, वरना मुझे कहीं सचमुच ना उठना पड़े, फरीदी ने नहायत इत्मीनान और संजीदगी से कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो?
सबसे पहले तुमने मुझे फरीदी कहकर मुखातिब किया, हालांकि मुझे लोग मेजर सरदार खां कहते हैं, लेकिन मैंने बुरा ना माना। फिर तुमने मेरा मजाखा उड़ाने की गर्ज से ये कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया, लेकिन मैं फिर भी डाल गया, हालांकि मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। कि तुम इस तरह से कहते हो कि कैसा पहचाना, मैं तो तुम्हारे खामखा मजाक पर कुछ ना बोला, लेकिन मैंने जरा ये कह दिया कि तुम्हारी दाढ़ी और केस नकली है तो तुमने रिवॉल्वर निकाल लिया। अजीब आदमी हो, तुम्हें इस तारीख रात में स्याह चश्मा लगाकर पढ़ते देखकर पहले ही ख्याल हुआ था कि जरूर तुम्हारा दिमाग खराब है। पता नहीं लोग ऐसे आदमियों को तन्हा क्यों सफर करने देते हैं। माना कि तुम किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हो, मगर ऐसा भी क्या कि मजाक की बातों पर रिवॉल्वर निकाल लो। और फिर छेड़ पहले तुम्हारी ही तरफ से हुई थी, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, इसलिए बतौर नसीहत ये जरूर कहूंगा कि अपने ऊपर काबू रखना सीखो। और हाँ, रिवॉल्वर का रोब हर एक पर नहीं पड़ा करता। मैं सन 14 की जंग में हजारों को मौत के घाट उतार चुका हूँ। ये बालिश भर का रिवॉल्वर लाहौर वाला कुव्वत, मुझे मेजर सरदार खां कहते हैं। सरदार जी, सिख का रिवॉल्वर वाला हाथ बुरी तरह कांप रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ झुक गया, उसका चेहरा पसीने से तर था। थोड़ी देर तक वो चुप रहा, फिर खंकार कर कहने लगा, माफ कीजिएगा मेजर साहब, मुझे धोखा हुआ है, अब आपसे क्या पर्दा, आप भी सरकारी आदमी हैं, मैं दरअसल CID का इंस्पेक्टर हूँ। आज कई दिन से मैं बहुत बड़े बदमाश के चक्कर में हूँ, मुझे दरअसल बड़ा धोखा हुआ है, क्या किया जाए। कि आंखें उस कमबख्त की आंखों से बहुत मिलती जुलती हैं। मैं एक बार फिर माफी चाहता हूँ जनाब मेजर साहब। कोई बात नहीं, फरीदी ने हंस कर कहा, अक्सर धोखा हो ही जाता है। कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं आप? कानपुर। चलिए सफर मजे में कटेगा, मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई। आप आजकल कहाँ तैनात हैं? फरीदी ने पूछा। इलाहाबाद में। तब तो आप बड़े मजे में होंगे, फरीदी ने हंस कर कहा। क्यों मजे में क्यों? सिख ने हैरत से कहा। खूब अमरूद खाते होंगे, फरीदी ने कहकर एक भद्दा सा कहकर लगाया। सिख भी हंसने लगा। आप सिगार पीते हैं? फरीदी ने सिगार केस बढ़ाते हुए कहा। जी नहीं शुक्रिया। तो फिर कुछ बातें कीजिए ताकि रास्ता कटे, अब तो नींद आने से रही, रिवॉल्वर देखते ही रफू चक्कर हो गई। फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। जी मुझे सख्त शर्मिंदगी है, सिख ने हंस कर दांत निकाल दिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फरीदी ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर सिख बोला, देखिए कब तक वो बदमाश हाथ आता है। कौन बदमाश? फरीदी चौंक कर बोला। वही फरीदी, सिख ने कहा, जिसके धोखे में खामखा आपको परेशान किया। देखिए अगर आप इसी तरह धोखा खाते रहे तो मुश्किल ही से उस पर हाथ पड़ सकेगा, फरीदी ने हंस कर कहा। हाँ ये तो आपने बताया ही नहीं कि उसका जुर्म क्या है। अरे साहब मामूली जुर्म नहीं, सिख बोला। आपने इलाहाबाद के कनाडा बैंक की चोरी का हाल जरूर सुना होगा, उस चोरी में उसी का हाथ था, उसके साथियों ने एक चौकीदार को भी जान से मार डाला। तब वो बड़ा खतरनाक आदमी मालूम होता है, फरीदी ने कहा। और आप उसे तन्हा गिरफ्तार करने निकले हैं? जी नहीं, हम कई हैं। अच्छा, फरीदी ने मायने खेज अंदाज में कहा। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा, सिख ने अपना चश्मा उतारने की तैयारी करते हुए कहा। फरीदी उसकी आंखों में देखते ही चौंक पड़ा और फिर दिल ही दिल में हंसने लगा। अच्छा भाई मेजर साहब, अब तो नींद आ रही है, नमस्कार, सिख ने जमाई लेते हुए कहा। अच्छा साहब शब बखैर, फरीदी ने जला हुआ सिगार खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा। रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे, सिख खर्राटे ले रहा था। फरीदी आहिस्ता आहिस्ता उठा और दफ्तर सोए हुए सिख पर टूट पड़ा। सिख ने घबरा कर उठने की कोशिश की, लेकिन वो फरीदी की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। कुछ नींद का खुमार, कुछ उस अचानक हमले से पैदा शुदा बदहवासी और कुछ बौखलाहट, इन सब चीजों ने उसमें जद्दोजहद की कुव्वत न रहने दी। फरीदी ने उसकी टाई से उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पर जकड़ दिए। अब वो बर्थ पर बेबस पड़ा हुआ गालियां बक रहा था। फरीदी खड़ा मुस्कुराता रहा। वो हमेशा ऐसे मौकों पर अपने शिकार की फड़फड़ाहट से काफी महसूस हुआ करता था। अब मैं अपने प्यारे CID इंस्पेक्टर के दर्शन करना चाहता हूँ, फरीदी ने झुक कर सिख की दाढ़ी नोचते हुए कहा। मुट्ठी में बहुत से बाल उखड़ाए और उसकी मुंडी हुई शफाफ थोड़ी दिखाई देने लगी। फरीदी ने दाढ़ी के बाल नोच लिए और उसकी पगड़ी उतार दी। आखा डॉक्टर सतीश, तुमसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद न थी, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। वो बराबर उर्दू और अंग्रेजी में गालियां बके जा रहा था। शोर मत मचाओ सतीश, फरीदी गरज कर बोला। आज ही तो तुम मेरी गिरफ्त में आए हो, देखता हूँ अब कैसे बच निकलते हो। अरसा से मेरी निगाहें तुम पर थी, मैं तुम्हारे जरायम से भी वाकिफ था, लेकिन तुम कानून की गिरफ्त से हमेशा बच निकलते थे। देखा जाएगा इस वक्त तुमने कौन से कानून के तहत मुझे बांध रखा है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, सतीश तेजी से बोला।
भेस बदल कर लोगों को धोखा देना। फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा, कम अज कम 6 महीने के लिए तो जरूर जाओगे। तुम मुझे खोल दो वरना अच्छा ना होगा, डॉक्टर सतीश ने चीख कर कहा। और तुम्हें खोल ही देने पर क्या अच्छा होगा, फरीदी ने हंसकर कहा। तुम्हें खोल दूं ताकि तुम मुझे अपने बगैर लाइसेंस के रिवॉल्वर का निशाना बना दो, क्यों है ना यही बात। देखो मैं फिर कहता हूँ कि मुझे खोल दो वरना कहीं तुम्हें अपनी मुलाजमत से हाथ ना धोना पड़े। मैं पानी से हाथ धोने का आदी हूँ, इसकी आप फिक्र ना करें। तो तुम नहीं खोलोगे? हरगिज नहीं। अच्छा देख लूंगा। जी भर कर देख लेना, कहीं बाद में पछताना पड़े। बहुत मुमकिन है कि बिमला और रणधीर भी अपना जोर लगाकर तुम्हें ज्यादा दिनों के लिए भिजवा दें, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। बिमला और रणधीर का नाम सुनकर डॉक्टर सतीश के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। वो फरीदी को हैरान आंखों से घूर रहा था। क्यों चुप हो गए, फरीदी ने अपने शाने उछालते हुए कहा। क्या गलत कह रहा हूँ, सचमुच बताना डॉक्टर, आखिर इस भेस में तुम कहाँ और क्या करने जा रहे थे? अगर फर्ज करूँ मैं ये ना बताऊँ तो, डॉक्टर सतीश ने तेजी से कहा। तुम्हारी मर्जी, मैं किसी को किसी बात पर मजबूर करने का आदी नहीं, लेकिन उस वक्त से डरो जब सिविल अस्पताल के रंगूट तुम्हारी पोजीशन का ख्याल किए बगैर तुमसे सारी बातें उगलवाना शुरू कर देंगे। अगर सीधे सीधे मुझे बता दोगे तो उस अजाब से तुम्हें निजात मिल जाएगी, वरना। फरीदी थोड़ी देर तक रुक कर डॉक्टर सतीश के चेहरे के उतार चढ़ाव को बगौर देखता रहा, फिर अचानक बोला, शाम वाली लाश बिमला ही की थी ना? क्या मतलब, डॉक्टर सतीश चौंक कर संभलते हुए बोला, तुम ना जाने क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हो। खैर खैर, मेरा मकसद हल हो गया और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम आसानी से ये सब कुछ ना बताओगे। खैर फिर सही, अच्छा इतना तो बता दो कि जब तुम मुझे पहचान गए थे तो खामखा मुझे छेड़ने ही की जरूरत क्या थी। डॉक्टर सतीश मुस्कुराने लगा, दफतर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने हंस कर कहा, वाह फरीदी साहब, आप कैसे सुराग रसाएं कि इतना भी नहीं समझे। भाई आपको 10 बजे रात स्टेशन की तरफ आता देखा तो मुझे मजाक सूझा, मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इस तरह तारुफ हासिल किया जाए। मैंने सिक्का भेज बदला और कार में बैठकर फौरन अगले स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वहां से तफाकर मुझे इसी डब्बे में आना पड़ा जहां आप थे। ये तफाक नहीं तो और क्या है, डॉक्टर सतीश हंसने लगा। बहुत अच्छे, फरीदी ने हंस कर कहा, मेरी छुरी से मुझे ही अलग कर रहे हो। डॉक्टर मेरे लिए तुम्हारी ये बातें किसी 6 महीने के बच्चे की उंगा से ज्यादा वक्त नहीं रखती। जरा ये तो बताओ कि तुम्हें इस बात का यकीन कैसे आ गया था कि मैं कानपुरी की तरफ सफर करूंगा जबकि 11 बजे और दूसरी 3 गाड़ियां मुख्तलिफ सिमतों में जाती हैं। डॉक्टर सतीश खामोश हो गया, उसके चेहरे पर पशिमानी के आसार पैदा हो गए थे, कुछ खजालत और कुछ झुंझुलाहट ने उसके चेहरे को बहुत ज्यादा मजेखा खेज बना दिया था। खैर तो तुम ये भी नहीं बताना चाहते कि तुमने मुझे खामखा क्यों छेड़ा था, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। देखो मैं फिर कहता हूँ कि मेरे हाथ खोल दो, डॉक्टर सतीश ने नाखुशगवार लहजे में कहा। और मैं तुमसे इस्तेदा करता हूँ कि बार बार यही एक जुमला दोहराते जाओ, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। तुम अजीब गधे के बच्चे हो, डॉक्टर सतीश ने चीख कर कहा। जरा इस बात को साफ कर दो कि मैं गधे का बच्चा होने की वजह से अजीब हूँ या अजीब होने की वजह से गधे का बच्चा हूँ, या फिर, फरीदी ने संजीदगी से कहा। तुम्हारा सर, डॉक्टर जोर से चीखा। हाँ मेरा सर, फरीदी ने घबराहट में अपना सर टटोलते हुए कहा। क्या हुआ मेरे सर को, मौजूद तो है। चुप रहो उल्लू के पट्टे, डॉक्टर सतीश जिच होकर जोर से चीखा। अच्छा चुप हो गया उल्लू का पट्टा, फरीदी ने उसी के अंदाज में चीख कर कहा और छत की तरफ देखने लगा। डॉक्टर सतीश ने झुंझुलाहट में अपना सर दीवार से टकराया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई, अपने साथ मुझे भी फंसवाओगे क्या, अगर दीवार टूट गई तो, फरीदी ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। डॉक्टर सतीश ने झुंझुलाहट में उसके मुंह पर थूक दिया। ये अच्छी अलामत है, फरीदी ने रुमाल से अपना मुंह साफ करते हुए कहा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, सतीश ने तंग आकर कहा। लेकिन खुदा ही का हुक्म है कि मैं तुम्हारा पीछा ना छोड़ू। ओ यू ब्रूट, डॉक्टर सतीश इस बुरी तरह चीखा कि उसकी आवाज भर्रा गई और वो बेतहाशा हंसने लगा। फरीदी ने कहकह लगाया, खूब दिल खोलकर हंस लो लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा, सतीश ने गुस्से से हांफते हुए कहा। क्या करूं डॉक्टर, जब से इस बोतल वाली गैस का असर दिमाग पर हुआ है बाज़ औकात बेवजह भी हंसी आने लगती है, फरीदी ने संजीदगी से कहा। डॉक्टर सतीश का मुंह फिर उतर गया, वो फरीदी को गौर से देख रहा था। डॉक्टर सचमुच बताना वो किसकी ईजाद है, तुमसे तो इसकी उम्मीद नहीं, तुम ठहरे घामड़ आदमी। तुम मुझे क्या समझते हो, डॉक्टर सतीश ने फकरिया लहजे में कहा, लेकिन फिर फौरन ही संभल कर बोला, तुम न जाने क्या बक रहे हो, कैसी गैस कैसी ईजाद, घामड़ तुम खुद होगे। है ये तो तुम्हारा दिल ही जानता होगा कि मैं कितना घामड़ हूँ, डॉक्टर सतीश खामोश हो गया। इतनी देर तक चीखते रहने से वो निढाल सा हो गया था।
एक हारे हुए नाउमीद ज्वारी की तरह उसने हाथ पैर डाल दिए। फरीदी अब भी उसे छेड़ रहा था लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। न जाने वो क्या सोच रहा था। फरीदी ने घड़ी देखी, गाड़ी 15 मिनट के बाद कानपुर पहुंचने वाली थी। दूसरे दिन फरीदी कानपुर से लौट आया। उसके साथ डॉक्टर सतीश भी था जिसकी निगरानी के लिए कानपुर के 2 कांस्टेबल साथ आए थे। अमित फरीदी को लेने के लिए स्टेशन आया था। वो डॉक्टर सतीश को इस हाल में देखकर मुताज्जुब था। ये हजरत कहाँ, उसने फरीदी से कहा। मैं यहाँ खामखा परेशान हो रहा था कि आखिर ये कहाँ लापता हो गए। भाई मैं ऐसे दोस्तों को अपने साथ ही रखता हूँ, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। डॉक्टर सतीश उसे कहर भरी नजरों से घूरने लगा। वो लोग स्टेशन से निकलकर बाहर आए। हमीद फरीदी की कार लेकर आया था। फरीदी ने डॉक्टर सतीश से कार में बैठने के लिए कहा लेकिन वो बदस्तूर खड़ा रहा। हत्ता के यहाँ तक नौबत पहुँची कि कांस्टेबलों ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाना चाहा। अचानक एक फायर हुआ और डॉक्टर सतीश चीख कर जमीन पर आ रहा। गोली सर की हड्डी तोड़ती हुई पेशानी से निकल गई थी। फरीदी और हमीद उस तरफ झपटे जिधर से फायर हुआ था। लोग इधर उधर बड़ी बेतरतीबी से भागने लगे। देखते ही देखते ऐसी भगदड़ मची जैसे अनकरीब बमबारी होने वाली हो। फरीदी बुरी तरह झल्लाया हुआ था। बिल्कुल बेकार है हमीद, इन कमबख्तों की बदहवासी की वजह से शिकार हाथ से निकल गया, उसने रुककर पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा। हमीद ने सरासीमगी के आलम में कहा, यह आखिर हुआ क्या। बहुत बुरा हुआ, अब असरे नौ काम करना पड़ेगा, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, फरीदी ने हाथ मलते हुए कहा। डॉक्टर सतीश की लाश कोतवाली लाई गई। थोड़ी देर बाद इस हादसे की खबर सारे शहर में मशहूर हो गई। फरीदी से बयान लिया गया, उसने सतीश की गिरफ्तारी से लेकर मौत तक के सारे वाकयात बताए लेकिन उसने अपने उस शुबे का इजहार न किया कि डॉक्टर सतीश का ताल्लुक रणवीर वाले केस से भी है। अखबारात ने उस नए हादसे पर तरह तरह के हाशिया आराइयां की। हमीद पूरे हालात जानने के लिए बुरी तरह बेचैन था। कोतवाली से फुर्सत पाकर जब दोनों घर आए तो हमीद से सबर ना हुआ, वो फिर पूछ बैठा। फरीदी सफर के सारे वाकयात बताने के बाद बोला, हाँ भाई ये तो बताओ कि वो लाश बिमला ही की थी ना। जी हाँ बिमला की, हमीद ने कहा। और सरोज हवालात में है। क्या मतलब, फरीदी ने चौंक कर कहा। आपके जाने के बाद मैं सरोज को कोतवाली लाया, हालांकि लाश खराब हो चुकी थी, उसका चेहरा बड़ी हद तक बिगड़ गया था लेकिन सरोज ने उसे पहचान लिया। उसका बयान दोबारा लिया गया। दिलबेर सिंह की जमानत हो गई लेकिन सरोज अभी तक हवालात ही में है। ये बहुत बुरा हुआ, इन गधों को कभी अकल ना आएगी, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया कमबख्तों ने। तुमने उन्हें ऐसा करने से रोका क्यों नहीं। मैंने चीफ इंस्पेक्टर से कहकर रुकवाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान ना दिया। खैर और कोई खबर। डॉक्टर सतीश यहाँ से गायब हो गया था। दलबीर सिंह और सरोज की गिरफ्तारी के बाद मकान की निगरानी का कोई सवाल ही नहीं रह गया। हमीद तुम इतने बुद्धू क्यों होते जा रहे हो, फरीदी ने अपनी रान पर हाथ मारते हुए कहा। तुम्हें ये कैसे सूझी कि यही दोनों मुजरिम हैं। इस किस्म के काम अकेले नहीं किए जाते, शुरू से ही चीखता आ रहा हूँ कि इसमें किसी ग्रोह का हाथ है, फिर भी तुमने ऐसी हमाकत कर डाली। अफसोस, अब क्या बताऊँ, हो ही गई गलती। बस किस्सा खत्म, उल्लू कहेंगे। कानपुर में क्या रहा, हमीद थोड़ी देर खामोश होकर बोला। कानपुर में मैंने ये राय कायम की थी कि डॉक्टर सतीश ही इस ग्रोह का सरगना है लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। अगर ऐसा होता तो उसकी मौत इस तरह वाकई ना होती। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस ग्रोह के एक मामूली मेंबर की हैसियत से काम कर रहा था। खुद उसने किसी किस्म का बयान नहीं दिया लेकिन मैंने अपने तरीकों से इस बात का पता लगा लिया था कि वो उस ग्रोह से ताल्लुक जरूर रखता है। एक बात साफ ना हो सकी कि वो उस वक्त भेष बदल कर कानपुर क्यों जा रहा था। अगर उसका मकसद रणधीर सिंह के घर की तलाशी लेना था तो उसने मुझे ट्रेन में छेड़ा क्यों था, चुपचाप निकल क्यों ना गया। हाँ वाकई ये चीज अजीबोगरीब है, हमीद कुछ सोचते हुए बोला। मैं एक और नतीजे पर पहुंचा हूँ, वो ये कि जिस वक्त बिमला की गोली लगी वो रणधीर की मोटरसाइकिल के करियर पर बैठी थी। रणधीर ने यह बयान गलत दिया था कि वो तन्हा जलालपुर से आ रहा था और उसने धर्मपुर के जंगल में एक औरत की लाश देखी थी। गोली लगते ही बिमला गिर गई थी, उसके गिरने के बाद रणधीर यहाँ कुछ देर रुका भी था। ये बात आप किस तरह कह सकते हैं, हमीद ने कहा। ये देखो ये खत मुझे कानपुर में रणधीर के कमरे की तलाशी लेते वक्त मिला था, फरीदी ने जेब से खत निकाल कर हमीद की तरफ बढ़ा दिया। हमीद खत पढ़ने लगा। रणधीर मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई हूँ, मुझे आकर बचाओ, किसी तरह यहाँ आकर मुझे खामोशी से निकाल ले जाओ। देखो ये बात किसी पर जाहिर ना होने पाए वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे लिखो कि तुम कब आ रहे हो लेकिन इस तरह आना कि किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इस खत को पढ़कर जला देना। लेकिन इस खत से आपने इन सब बातों का अंदाजा कैसे लगा लिया। नहायत आसानी से, फरीदी ने कहा। अगर मुझे ये खत ना मिलता तो मुझे ना जाने कितना और भटकना पड़ता।
मैं आपका मतलब नहीं समझा। ये कोई नई बात नहीं, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कभी मेरा मतलब नहीं समझते। खैर सुनो, जब ये खत रणधीर को मिला होगा तो उसने इसके जवाब में बिमला को लिखा होगा कि वो उसे निकाल ले जाने के लिए आ रहा है, और उसने उससे तमाम वाकयात भी पूछे होंगे। मुमकिन है कि ये खत उन लोगों के हाथ लग गया हो जिनकी गिरफ्तारी से वो निकल जाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने यही मुनासिब समझा हो कि रणधीर को यहाँ आने दिया जाए और इस तरह बिमला और रणधीर दोनों का खात्मा कर दिया जाए कि किसी को कानों कान खबर तक ना हो। रणधीर यहाँ आया, उसने मोटरसाइकिल हासिल की और बिमला को उस पर सवार करके ले भागा। कातिलों ने अपना प्लान पहले ही से तैयार कर रखा था। पहले उन्होंने बिमला को खत्म किया, जब रणधीर यहाँ से पुलिस ले गया तो उन्होंने गोलियां चलाकर पुलिस वालों को तो भगा दिया और रणधीर को वहीं ढेर करके दफन कर दिया। इस तरह उन्होंने रणधीर को पुलिस की निगाहों में मुजरिम करार देकर बिमला के गायब हो जाने का जिम्मेदार भी बना दिया। लेकिन जब उन्होंने रणधीर को दफन कर दिया था तो इस बात का कैसे पता चलता कि वो यानी रणधीर बिमला का मंगेतर था? आखिर इसका इजहार भी तो जरूरी था, वरना बिमला के फरार की जिम्मेदारी इस पर क्यों आयद होती? हमीद ने कहा, नहायत आसानी से बिमला ने रणधीर को लिख दिया था कि वो किसी से इस बात का तस्करा ना करे, लिहाजा उसकी रवानगी की इत्तला किसी को ना हो सकी। ये लाजमी बात है कि रणधीर के इस तरह गायब हो जाने से लोगों को यही ख्याल होता कि वो दोनों कहीं फरार हो गए हैं, जबकि लोग पहले से जानते ही थे कि दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। हमीद ने सोचते हुए कहा, फिर मोटरसाइकिल का नंबर मिटाने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत मामूली सी बात है, अगर मोटरसाइकिल का नंबर ना मिटाया जाता तो उसके मालिक का पता नहायत आसानी से चल जाता, और रणधीर की लाश को दफन कर देने का मतलब यही था कि पुलिस इधर उधर अंधेरे में सर मारती फिरे। वो तो दुआ दो गीदड़ों को कि रणधीर की लाश बरामद हो गई, वरना हुनूज रोजे अव्वल होता। अब आपने क्या सोचा है? हमीद ने कहा, अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो फिलहाल मुझे सरोज को रिहा करके जलालपुर पहुंचाना है। हे हे इश्क अव्वल दर्द दिल है दा, हमीद ने बतर से कवाली झूमते हुए कहा। क्या बकते हो? फरीदी बेदारी से बोला। अरे क्या पूछते हैं हुजूर, बस ये समझ लीजिए कि पुराने मुसन्निफों के अल्फाज वो मैं मलाइक फरेब परी तमसाल रोकच महरुमा अंजुम लबत जबी जहरा जबी ये लब हाय शकरी सराफा इंतजार मुब्तलाए खांसी और बुखार इंतजार की घड़ियां कभी गिनती होगी और कभी रख देती होगी। अहे बस बस बकोमत, वरना आप मेरे हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमीद ने हंस कर कहा। तुम हो अच्छे खासे गधे, फरीदी ने उकता कर कहा और आंखें बंद करके आराम कुर्सी की पुश से टिक गया। फरीदी हवालात में सरोज से मिला, वो उसे देख कर रोने लगी। उसकी रिहाई का इंतजाम उसने पहले ही कर लिया था, वो उसे दम दिलासे देता हुआ जलालपुर ले आया। ठाकुर दलबीर सिंह सरोज की आमद के मुतालिक सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसकी बेनूर आंखों में खून उतर गया, भवे तन गई और चीख कर बोला, अब यहाँ क्या करने आई हो? खानदानी इज्जत मिला तो दी खाक में। भैया जी आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? सरोज रोती हुई बोली। क्यों बुलाया था तुमने बिमला को? खुद जान से गई और हमारी गर्दन नारी में रगड़ गई, अंधे दलबीर सिंह ने चीख कर कहा। अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, ठाकुर अमर सिंह की खानदान की बहू और जेल में जाए, तू भी प्रकाशी के साथ क्यों ना मर गई? ठाकुर साहब भला इसमें इनका क्या कसूर है? फरीदी ने नरम लहजे में कहा। आप चुप रहिए जनाब, ये मेरे घरेलू मामलात हैं, दलबीर सिंह चीख कर बोला। ठाकुर साहब मुझे शर्मिंदगी है कि आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी, अगर मैं यहाँ होता तो इसकी नौबत ना आने पाती, फरीदी फिर उसी अंदाज में बोला। तकलीफ ना उठानी पड़ती, दलबीर सिंह झल्ला कर बोला। आप क्या जानिए कि खानदान की इज्जत क्या चीज होती है? मैं जानता हूँ, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, इन्हें माफ कर दीजिए, फरीदी ने कहा। अच्छा तो अब आप सिफारिश करने के लिए आए हैं? क्यों सरोज, इतनी जल्दी इतने जानसार पैदा कर लिए? वो तंजिया लहजे में बोला। सरोज बेख्तियार रोने लगी। ठाकुर साहब ऐसे बुजुर्ग को ऐसी बातें जेब नहीं देती, फरीदी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। बराए करम आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, और सरोज तुम भी, तुम्हारा इस घर में अब कोई काम नहीं। सरोज ने दलबीर सिंह के पांव पकड़ लिए, लेकिन उसने उसे बेदर्दी से हटा दिया। अब इस घर से मेरी लाश ही निकलेगी भैया जी, सरोज रोती हुई बोली। तुम यहाँ से चली जाओ वरना सच में तुम्हारी लाश ही निकलेगी, दलबीर सिंह चीख कर बोला। ठाकुर साहब आप सरोज को धमकी दे रहे हैं, लिहाजा पुलिस को इन्हें अपनी हिफाजत में लेना पड़ेगा। पुलिस? दलबीर सिंह जहर खून के साथ बोला। पुलिस की हिफाजत में तो ये वारदातें रही है, क्या अभी तुम लोगों का जी इससे नहीं भरा? क्या बक रहे हो ठाकुर, होश में आओ, तुम फरीदी से गुफ्तगु कर रहे हो, फरीदी ने तेजी से कहा। ठाकुर मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, सरोज यक भर कर बोली। मैं भी राजपूत नहीं हूँ,
अच्छा राजपूतनी की बच्ची, तुम जल्दी से यहाँ से अपना मुंह काला करो। खबरदार, कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना, दलबीर सिंह गुस्से में कांपता हुआ बोला। फरीदी सरोज को लेकर मकान के बाहर चला आया। अब वो शहर की तरफ जा रहा था। मुझे सख्त शर्मिंदगी है सरोज बहन। लेकिन आपने क्या किया है? सरोज रिंधी हुई आवाज में बोली। मैंने तुम्हें पहले ही क्यों ना अच्छी तरह महफूज कर दिया। किस्मत का लिखा पूरा होकर रहता है, सरोज सिसकियां लेती हुई बोली। अब मैं कहाँ जाऊँ? पिताजी से जाकर कहूँगी क्या? शायद वो लोग भी मुझे पना देने से इनकार कर दें। तुम इसकी फिक्र ना करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी किस्म की तरद्दुद की जरूरत नहीं है, फरीदी ने कहा। मैं किसी के लिए बार बनना नहीं चाहती, मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगी। क्या तुम एक भाई की इल्तिजा ठुकरा दोगी? इंसानियत के नाते मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि जब तक तुम्हारा कोई माकूल इंतजाम ना हो जाएगा मेरी खिदमत कबूल करो, मैं एक भाई की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सरोज खामोश हो गई। उसकी पलकें ज्यादा रोने की वजह से सूज आई थी। उसने कार की खिड़की पर सर रखकर अपना मुंह छुपा लिया। ये डॉक्टर सतीश के कत्ल का क्या वाकया है? थोड़ी देर बाद सरोज ने भराई हुई आवाज में कहा। फरीदी ने उसे सब वाकयात बता दिए। वो बड़े गौर से सुनती रही। मेरी समझ भी नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सरोज कार की सीट की पुश्त पर टेक लगाती हुई बोली। तो क्या तुम डॉक्टर सतीश को अच्छी तरह जानती थी? जी हाँ, वो तकरीबन हर हफ्ता हमारे यहाँ मेहमान रहते थे। क्या दलबीर सिंह से उसकी दोस्ती थी? नहीं, वो दरअसल मेरे शौहर के दोस्त थे। उसकी मौत के बाद बड़े ठाकुर से उनकी गहरी छनने लगी। बिमला से वो बेतकल्लुफ थे या नहीं? कतई नहीं। कभी बिमला उनके साथ बाहर भी जाती थी या नहीं? कभी नहीं। क्या तुम ये बता सकती हो कि दलबीर सिंह से उसकी दोस्ती की क्या वजह थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, तुम्हारे शौहर प्रकाश बाबू से उनकी दोस्ती की क्या वजह थी? मेरे शौहर एक मशहूर साइंसदान थे, वो आए दिन नित नए तजुर्बात किया करते थे। डॉक्टर सतीश को भी इससे दिलचस्पी थी। मेरा ख्याल है कि दोनों की दोस्ती की वजह यही थी। तुम्हारे शौहर किस किस्म के तजुर्बात किया करते थे? उनका कोई ना कोई मौजू जरूर होगा। उन्हें गैसों के तजुर्बात का ज्यादा शौक था। इस सिलसिले में वो कई बार बहुत सख्त बीमार पड़े थे। बीमार कैसे पड़े थे? फरीदी ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। एक बार तो बहुत ही अजीब और गरीब वाकया हो गया था। प्रकाश बाबू अपनी लेबोरेटरी में किसी गैस के मुतालिक तहकीकात कर रहे थे कि अचानक उन पर हंसी का दौरा पड़ा। मैं इत्तेफाक से इस तरफ जा निकली। पहले तो मैं ये समझी कि किसी बात पर हंस रहे होंगे, इसलिए उन्हें हंसते देखकर मैं भी यूं ही हंसने लगी और मैंने उनसे हंसी का सबब पूछा, लेकिन जवाब निदारत, वो बराबर हंसते ही जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें सुर्ख होकर अपने हल्कों से उबलती मालूम होने लगी और मुंह से झाग निकलने लगा। दो तीन मिनट तक यही कैफियत रही, फिर अचानक वो बेहोश होकर गिर गए। अच्छा, फिर होश में आने के बाद तुमने ये इसका सबब उनसे पूछा था? मैंने 12 दफा मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा टालते ही रहे। इस वाकये का तुम्हारे अलावा किसी और को इल्म था? जी हाँ, बड़े ठाकुर साहब भी वहाँ आ गए थे। उस वक्त उनकी आंखें इतनी खराब नहीं थी और डॉक्टर सतीश को भी इसका इल्म था। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, उन दोनों के अलावा और किसी को इस वाकये की इत्तला नहीं हुई थी। तुम ये वसूख के साथ कह सकती हो? वसूख के साथ तो नहीं कह सकती, अलबत्ता ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि प्रकाश बाबू ने इन सबको मना कर दिया था कि वो इसके बारे में किसी से कुछ ना कहे। फरीदी कुछ सोचते हुए बोला। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में उन चिड़िया के बंजों वाले जूतों को कौन इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि वो कमरा जहाँ वो अजायबात रखी है हमेशा मुकफ्फल रहता है और उसकी कुंजी या तो मेरे पास रहती है या फिर ठाकुर के पास। खैर, फरीदी ने खांसते हुए कहा, मगर भाई तुम्हारे ठाकुर साहब बड़े जालिम आदमी मालूम होते हैं। नहीं, ये बात नहीं, मैंने पहली बार उन्हें इस कदर गुस्से में देखा है। उनकी नरमदिली सारे इलाके में मशहूर है। वो भंगियों तक को बेटा कहकर मुखातिब करते हैं। मेरी याददाश्त में उन्होंने कभी किसी से तेज कलामी नहीं की। आज उनकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकले हैं कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। फरीदी कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें अपने मखसूस अंदाज में नींव वाह होती जा रही थी। यकायक उसमें अजीब किस्म की वहशियाना चमक पैदा हो गई। 4 बजे शाम को फरीदी दिन भर का थका मांदा घर आया था। आज वो दिन भर ठाकुर दलबीर सिंह के दोस्तों को टटोलता रहा था। डॉक्टर सतीश के घर की तलाशी तो उसने उसी दिन ले ली थी जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। मामूली नाश्ते के बाद वो अपने कुत्तों की देखभाल में लग गया। उसके पास तकरीबन 1 दर्जन कुत्ते थे और हर कुत्ता अपनी मिसाल आप था। कुत्तों के शौक का ये आलम था कि उसके बाद बेतकल्लुफ अहबाब उसे ख्वाजा सकपरस्त कहने लगे थे। सिर्फ कुत्तों ही पर मुनहसर नहीं, उसके शौक अजीब और गरीब थे। उसे अजायबात के जमा करने का शौक भी था। उसकी कोठी का एक कमरा दुनिया की अजीब और गरीब चीजों के लिए मखसूस था।
उनमें सबसे ज्यादा अजीब और गरीब चीज मुख्तलिफ किस्मों के सांप थे। वो एक माहिर सपेरे की तरह उनकी परवरिश व परदाख्त करता था। उनमें से कई ऐसे भी थे जिनके जहर की थैलियां वो खुद निकाला करता था। उसकी इन हरकतों पर उसके सारे हम पेशा उसका मजाखा उड़ाते थे। उनका ख्याल था कि वो अपनी शोहरत के लिए इस किस्म की अजीब और गरीब हरकतें किया करता है। कुत्तों की देखभाल से फारिग होकर फरीदी अपने अजायब खाने की तरफ गया। जैसे ही वो दूसरे बरामदे की तरफ मुड़ा, उसे सरोज दिखाई दी जो अजायबात के कमरे से निकल रही थी। तो आपको भी इसका शौक है, वो मुस्कुरा कर बोली। क्यों, क्या हुआ, तुम डरी तो नहीं? वहाँ कई बहुत ही खतरनाक चीजें भी हैं। आखिर आपने इतनी सारी सांप क्यों जमा कर रखे हैं? पता नहीं क्यों मुझे सांपों से इश्क है, फरीदी ने कहा। लेकिन फरीदी भाई, ये शौक खतरनाक भी है। लेकिन ये मेरे लिए मेरे पालतू कुत्तों की तरह बेजरर हैं। तो फिर आपने इनका जहर निकाल दिया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। उनमें से ये बतेरे ऐसे भी हैं जिनका जहर आज तक निकाला ही नहीं गया। उन्हें खिलाता पिलाता कौन है? मैं खुद, फरीदी ने कहा। आओ तुम्हें तमाशा दिखाऊं। दोनों कमरे में दाखिल हुए। फरीदी एक अलमारी के करीब पहुँच कर खड़ा हो गया। अलमारी के दरवाजों में नीचे की तरफ बेशुमार छोटे बड़े सुराख थे। फरीदी ने एक मखसूस अंदाज में सीटी बजाई। यक बयक फिफकारों की आवाजें सुनाई दी और अलमारी के सुराखों से सांप निकलने लगे। सरोज चीख कर पीछे हट गई। डरो नहीं, है केचुओं की तरह बदतर है और इनमें जहर नहीं। फरीदी ने मेज पर से दूध का बर्तन उठाकर जमीन पर रख दिया। सारे सांप उस पर टूट पड़े। फरीदी ने दूसरा बर्तन भी उठाकर उसके करीब रख दिया, लेकिन वो सब पहले ही बर्तन पर पिले पड़े रहे। उन्हें हाथ से हटा हटा कर दूसरे बर्तन के करीब लाने लगा। ये देख कर सरोज फिर चीख पड़ी। फरीदी हंसने लगा। डरो नहीं सरोज बहन, ये सब मेरे दोस्त हैं। मुझे ये तमाशा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं ड्राइंग रूम में आपका इंतजार करूंगी, सरोज ये कहकर बाहर चली गई। दोनों बर्तन साफ कर लेने के बाद सारे सांप आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के सुराखों में चले गए। फरीदी ने थोड़ी देर ठहर कर चारों तरफ नजरें दौड़ाई और कुछ गुनगुनाता हुआ बाहर निकल आया। सर्जन हमीद तेज कदमों से अजायबात के कमरे की तरफ आ रहा था। फरीदी उसे देख कर रुक गया। कहो भाई, क्या खबर है? कोई खास खबर नहीं, कोतवाली से आ रहा हूँ। अभी अभी दलबीर सिंह का नौकर आपके नाम एक खत दे गया है। फरीदी खत पढ़ने लगा। फरीदी साहब तस्लीम, मुझे अपने कल के रवैये पर सख्त अफसोस है। कल शायद जिंदगी में पहली बार मुझे गुस्सा आया था। सरोज को समझाने की कोशिश कीजिएगा, खुदा करे वो मुझे माफ कर दे। मैंने उसकी शान में बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसके लिए मेरा जमीन मुझे मलामत कर रहा है। जब तक वो यहाँ ना आ जाएगी, मुझे सुकून नहीं मिल सकता। खुदा मेरे हाल पर रहम करे। मुंजाने ठाकुर दलबीर सिंह, तो होश आ गया ठाकुर साहब को, फरीदी ने कहा। और ये बहुत बुरा हुआ, हमीद मुस्कुरा कर बोला। क्यों, मैं क्या जानूं? लेकिन सरोज से इस खत का तस्करा ना कीजिएगा। आखिर क्यों, फरीदी ने मुताज्जबाना अंदाज में पूछा। अरे तो क्या वाकई आप? हमीद अधूरी बात करके चुप हो गया। अजीब आदमी हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते? आखिर बात क्या है? क्या आप सचमुच सरोज को वापस भेज देंगे? तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है, फरीदी ने ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। सुनिए तो सही, हमीद उसे रोकते हुए बोला। क्या वाकई आप संजीदगी से कह रहे हैं? कहीं मैं तुम्हारी पिटाई ना कर दूं, फरीदी ने हंसकर कहा। हाँ मखा, भेजा चाटे जा रहे हो। सिर्फ एक बात और पूछूंगा। फरमाइए, फरीदी रुकते हुए हंसकर बोला। तो वाकई क्या सरोज? बकवास बंद, फरीदी झल्ला कर बोला। सरोज ड्राइंग रूम से निकल आई और फरीदी कुछ कहते कहते खामोश हो गया। हमीद खिसियानी हंसी हंसने लगा। क्या बात है, सरोज ने दोनों को बगौर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, फरीदी कहता हुआ अंदर चला गया। सरोज ने हमीद पर एक अचट्टी सी नजर डाली और वो भी चली गई। हमीद थोड़ी देर तक खड़ा सर खुजाता रहा। अचानक उसके होंठों पर शरारत अमीर मुस्कुराहट खेलने लगी। उसने इधर उधर देखा और चीख मार कर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। चीख की आवाज सुनकर फरीदी और सरोज बरामदे से निकल आए। अरे अरे क्या हुआ, फरीदी हमीद की तरफ झपटते हुए बोला। हमीद हमीद, वो उसे झंझोड़ कर पुकारने लगा। अभी तो अच्छे भले थे, सरोज ने कहा। ना जाने क्या हो गया, फरीदी ने हमीद के चेहरे पर झुकते हुए कहा। वो क्या वाकई आप सरोज, हमीद आहिस्ता से बोला। फरीदी ने झुंझला कर उसका मुंह दबा दिया। चुप रहो, फरीदी ने उसका मुंह दबाते हुए चीखा। अरे अरे, सरोज कहती हुई आगे बढ़ी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम इसे नहीं जानती, मालूम नहीं कौन सा शैतान इसके अंदर हुलूल कर गया है। साहब आपकी तो कोई बात ही मेरी समझ में नहीं आती, सरोज ने कहा। और मेरी बात, हमीद उठते हुए जल्दी से बोला। अरे, सरोज घबरा कर पीछे हट गई। हमीद अगर तुम अपनी शरारतों से बाज ना आए तो अच्छा ना होगा, फरीदी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। आप बहरहाल मेरे ऑफिसर हैं। आखिर बात क्या है, सरोज ने कहा। कुछ सरकारी मामलात हैं, हमीद मुस्कुरा कर बोला। फरीदी उसे अब तक घूर रहा था। आओ चलें, इसका दिमाग खराब हो गया है,
फरीदी ने सरोज से कहा। हमीद बाहर खड़ा रहा और वो दोनों चले गए। आखिर बात क्या है, सरोज ने फिर पूछा। कुछ नहीं, यूं ही मुझे तंग कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि मातहतों को ज्यादा सर न चढ़ाना चाहिए, सरोज ने कहा। मुश्किल तो यही है कि उसे मैं मातहत समझता ही नहीं, और इसकी वजह यह है कि अपने साथियों में सबसे ज्यादा बासलीका और जहीन है। हाँ खैर छोड़ो, लो ये खत दलबीर सिंह ने मुझे भिजवाया है। सरोज खत लेकर पढ़ने लगी। तो फिर आप क्या कहते हैं, सरोज खत पढ़कर बोली। इसके मुतालिक भला मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब उस घर में कदम न रखूंगी। और मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ, हमीद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। फरीदी ने झल्लाकर मेज पर रखा हुआ रोल उठा लिया और हमीद सहम जाने की एक्टिंग करता हुआ खामोशी से एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। इसके बाद फरीदी और हमीद में केस के मुतालिक बहसें छिड़ गईं और सरोज उकता कर बाहर चली गई। ये क्या हिमाकत थी, फरीदी सरोज के चले जाने के बाद बोला। कैसे हिमाकत, देखो सरोज मेरी मेहमान है, तुम्हें इस किस्म की बातें ना करनी चाहिए कि उसे दुख पहुँचे। तो ये कहिए कि आप गलत फहमी में मुब्तला है। अरे ये सब कुछ मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं, मोहब्बत करने वालों की बात समझ होती का है। फिर वो बकवास, फरीदी ने झुंझलाकर कहा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ कि अब इसके मुतालिक कभी कुछ ना कहना। क्या तुम अपनी तरह सबको गधा समझते हो? जी नहीं, मैं अपने अलावा सबको समझता हूँ। देखो मियां हमीद, तुम्हारी भौकलाहटें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं इन करीब तुम्हारे वालिद साहब को लिखने वाला हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारा कोई माकूल इंतजाम कर दे। आपको गलत फहमी हुई है, मैं पिछले 2 माह से बिल्कुल आशिक नहीं हुआ। अच्छा भाई, अब खत्म करो ये किस्सा, फरीदी ने कहा। कोई कायदे की बात करो। मेरे ख्याल से सिविल मैरिज ही ज्यादा कायदे की बात रहेगी। तुम जिंदगी भर संजीदा नहीं हो सकते, फरीदी ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। सच में बताइएगा, आपका इश्क किन मंजिलों पर है, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। किसी परेशान हाल औरत को सहारा देना भी सितम हो जाता है। आज तेरी किस्मत की ऐसी की तैसी। आप खामखा परेशान है, मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, हमीद ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। अच्छा मेरे जानासार, अब चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा, फरीदी ने उकता कर कहा। तो इस तरह ये इस शहर में चौथा कत्ल होगा, हमीद अपने चेहरे पर उदासी पैदा करते हुए बोला। उसकी मजाखा खेज सूरत देखकर फरीदी को हंसी आ गई। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। फरीदी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, ओ फरीदी साहब, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। धर्मपुर के जंगल में फिर एक हादसा हो गया है। क्या कहा, हादसा? जी हाँ, कत्ल। हम लोग जा रहे हैं, आप और हमीद साहब सीधे वहीं पहुंच जाइए। लो भाई, चौथा कत्ल भी आखिर हो ही गया, फरीदी ने रिसीवर रखते हुए हमीद की तरफ मुड़कर कहा। कहाँ? वहीं धर्मपुर के जंगल में। जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे लो, बातों में अंधेरा हो गया, अपनी टॉर्च जरूर ले लेना। जल्दी करो वरना कहीं लोग कुछ गड़बड़ ना करें। अब तो जनाब मेरा दिल चाहता है कि कोई सचमुच मुझे कत्ल कर देता तो अच्छा था। ये मुलाजमत क्या है, आफत है लाहौल वाला कुवत, हमीद ने उठते हुए कहा। दोनों कमरे के बाहर निकल गए। अच्छी खासी तारीकी फैल गई थी धर्मपुर की तारीख और वीरान सड़क पर। इंस्पेक्टर फरीदी की कार तेज रफ्तार के साथ चली जा रही थी। बहुत मुमकिन है कि आज की रात फिर खराब हो, हमीद ने बेदिली से कहा। देखा जाएगा, अभी से किस बात की परेशानी है, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। परेशानी आपको ना होती होगी, यहाँ तो जान निकल कर रह जाती है। समझ में नहीं आता कि ये कौन गधा है जिसने कत्ल के लिए ऐसी गैर शायराना जगह मुंतखब कर रखी है। अरे कत्ल करना है तो हमारे घर के आसपास कहीं कर दिया करे, हमीद ने बेदारी से कहा। जी नहीं, फरीदी मुस्कुराकर बोला, ये भी ठीक नहीं। उसे चाहिए कि कत्ल करके लाश आपके घर भिजवा दिया करे। हमीद हंसने लगा। क्या जिंदगी है हमारी भी, ना दिन चैन ना रात आराम। इससे बेहतर तो क्लर्की थी, सुबह 10 बजे ऑफिस गए और शाम को 4 बजे शाम से घर चले आ रहे हैं, इसके बाद रात अपनी है, हमीद ने कहा। क्या बूढ़ी औरतों की सी बातें कर रहे हो, काश में बूढ़ी औरत ही होता मगर सुराग रसा ना होता। हर वक्त जिंदगी रिवॉल्वर की नाल पर रखी रहती है, या फिर सुराग रसा नहीं हो अंग्रेजी जासूसी नॉवलों की तर्ज की कि जासूसों ने किसी कतल की खबर सुनते ही एक आंख बंद की, कांधों को जरा सी जुम्बिश दी, 2-4 बार कान हिलाए, एक बार मुंह बसोरा और अचानक मुस्कुराते हुए कातिल का नाम माँ वल्दियत और पता बताकर अपने फर्ज से बुकदोश हो गया। एक हम है कि दिन रात भूतों की तरह। हमीद रुक कर कुछ सोचने लगा। क्या फजूल बकवास लगा रखी है, फरीदी ने उकता कर कहा। अरे बाप रे बाप, देखिए कितना अंधेरा है, क्या आप गीदर की लाश भूल गए हैं? मैं तो साहब हरगिज नहीं जाऊंगा, जहन्नुम में गई मुलाजमत, मेरे फेफड़ों में इतना दम नहीं है कि खामखा चीख चीख कर कहकर लगाता फिरूं और फिर बेहोश होकर गिर पड़ूं। तुम भी अजीब आदमी हो, फरीदी ने कहा। क्या अभी तक तुम्हारे दिल से भूतों का ख्याल नहीं निकला? अरे अमक आदमी, कितनी बार समझाया है कि वो उन बोतलों में भरी हुई गैस का असर था, अगर ये सच है तो उस गीदड़ की लाश का क्या मतलब था?
उसके मुंह में दबे हुए पाइप के क्या मायने थे और उस शेर की क्या जरूरत थी। उसका मकसद महज यही था कि उसे देखकर बेख्तियार हंसी आ जाए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर वहाँ दूसरे आदमी मौजूद ना होते तो हमारे इस मजाक़ा खेज बयान पर किसी को यकीन ना आता। मुजरिमों का मकसद भी यही था कि हम लोग इस वाकये को शैतानी काम समझ लें और थक हार कर बैठ जाएं। साहब आपकी ये मंतक मेरे हलक से नहीं उतरती। अच्छा आप खामोश रहिए वरना मेरा घूसा आपके हलक से उतर जाएगा। बेबसी की मौत से इसे बेहतर समझूंगा। मैं आपसे सच कहता हूँ कि इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, हमीद ने कहा। न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है और मेरा दिल न जाने क्यों उठकर टहल रहा है, फरीद ने हंसकर कहा। दिल बैठा जा रहा है, बहुत खूब। मैं गलत नहीं कहता कि तुम्हारे अंदर किसी बुढ़िया की रूह हुलूर कर गई है, पर खुर्दार इस किस्म के मुहावरे किसी मर्द को जेब नहीं देते। आप बरखुरदार इस किस्म के मुहावरे, हमें जल्दी से बोला। फरीदी हंसने लगा। उसके बाद खामोशी छा गई। मोटर की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। कभी कभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक काद की दड़ा या जंगली बिल्लियां भागती दिखाई दे जाती थी। हवा कतई बंद थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था। हमीद ने सिगरेट सुलगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। दवतन फरीदी चौंक कर कहने लगा, क्यों हमीद, टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद हम लोग कितनी देर में घर से रवाना हो गए होंगे? बमुश्किल तमाम 10 मिनट के बाद। ताज्जुब है कि अभी तक पुलिस की लारी दिखाई नहीं दी। आखिर ये लोग किस रफ्तार से रवाना हुए होंगे? हो सकता है कि वो हम लोगों के बाद रवाना हुए हों। तब भी अब तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। सोचने का मुकाम है कि सुधीर जल्दी की वजह से कोतवाली में मेरा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीधे यहीं आने के लिए कहा। और अगर वाकई इतनी जल्दी थी तो इसे सुस्त रफ्तारी का क्या मतलब हो सकता है? तो क्या, हमें सीट पर उछलते हुए बोला, हमें किसी ने धोखा दिया? बहुत मुमकिन है। दरअसल मुजरिम मेरी जान लेना चाहते हैं। डॉक्टर सतीश भी इसी मकसद से मेरे पीछे लगा था। लेकिन अगर वो आपको कत्ल ही करना चाहता तो खामोशी से क्यों ना कर दिया? आखिर छुपाने की क्या जरूरत थी? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मुझे एक बूढ़े के भेस में देखकर शुबे में पड़ गया था, लिहाजा शक रफा करने के लिए उसने ये चाल चली और फिर कुछ देर बाद उसने रिवॉल्वर निकाल लिया था। अच्छा तो क्या वाकई आपने उसे पहचान लिया था? बिल्कुल नहीं, अलबत्ता मेरी रात में से ऐनक जरूर शुबे में डाल रही थी, फरीदी ने कहा। अरे ये क्या, हमीद चौंक कर बोला। क्या बात है? उधर बाई तरफ की झाड़ियों में कोई था, हमीद ने अंधेरे में घूरते हुए कहा। फरीदी ने कार की रफ्तार कम कर दी। ये आप क्या कर रहे हैं, रफ्तार तेज रखिए, हमीद जल्दी से बोला। क्यों, क्या मरने का इरादा है, फरीदी ने कहा। अगर कोई तनावा दरख्त अचानक कार के सामने आ गिरे तो हम लोग कहाँ होंगे? अरे बाप रे बाप, हमीद के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। जरा होश और आवाज दुरुस्त रखिए, कोई हादसा पेश आया ही चाहता है, फरीदी ने कहा। रिवॉल्वर लाए हो या नहीं? अरे रिवॉल्वर, हमीद हकलाने लगा। फरीदी ने कहका लगाया, आप हंसते हैं, तुम भी हंसो ना। मुझे खांसी आ रही है, हमीद ने जबरदस्ती खांसते हुए कहा। अरे, फरीदी चौंक कर बोला। हेडलाइट की रोशनी में दूर सड़क पर एक आदमी ऊंधा पड़ा दिखाई दिया। फरीदी ने कार की रफ्तार धीमी कर दी, कार रुक गई। फरीदी ने कार पीछे की तरफ लौटानी शुरू की। क्यों, ये क्या, हमीद जल्दी से बोला। खतरा है, वापस चलेंगे, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। दफतन कार की खिड़की से गुजरती हुई कोई चीज फरीदी की कनपटी से लग कर रुक गई। यही वाकया हमीद के साथ भी पेश आया और एक गर्जदार आवाज सुनाई दी, नीचे उतरो। दो अदद राइफलों की नाले फरीदी और हमीद की कनपटियों से लगी हुई थी। खिड़कियां खुली और दोनों नीचे उतार लिए गए। वो 5 आदमी थे, उनके चेहरे से नकाबों से ढके हुए थे। 4 के पास राइफलें थी और 5वां रिवॉल्वर लिए हुए था। ले चलो, रिवॉल्वर वाले ने कहा। दोनों को दो दो आदमियों ने पकड़ लिया और वो सब झाड़ियों में घुसते चले गए। हमीद और फरीदी खामोश थे। रिवॉल्वर वाले नकाबपोश के हाथ में टॉर्च थी। वो आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था। तबतन फरीदी बैठ गया। जिन आदमियों ने उसे पकड़ रखा था उन्होंने उसे उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वो टस से मस ना हुआ। रिवॉल्वर वाला पलट पड़ा, उसने फरीदी के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली। फरीदी मुस्कुरा रहा था। क्यों बक्कार, क्या आप कोई नई हरामजदगी सूझी, वो गरज कर बोला। मेरा ख्याल है कि मैं आप हजरात से बेतकल्लुफ नहीं, लिहाजा तहजीब शर्त है, फरीदी मुंह बनाकर बोला। अगर हम खामोशी के बजाय गाना गाते हुए चलें तो कैसी रहे, हमीद ने संजीदगी से कहा। चुप रहो चूहे के बच्चे, रिवॉल्वर वाला पैर पटकते हुए बोला। आप बड़े बद अखलाक मालूम होते हैं, हमीद ने भी जमीन पर बैठते हुए कहा, लेकिन उसे फिर उठा दिया गया। उठो, रिवॉल्वर वाले ने हमीद से कहा। रुक जाओ भाई, जरा सुस्ता लेने दो, अगर इजाजत हो तो मैं एक सिगार भी सुलगा लूं, फरीदी ने पुरतनाल लहजे में कहा। मालूम होता है तुम लोगों को यहीं पर खत्म कर देना होगा, रिवॉल्वर वाले ने कहा। नेक काम में देर ना करनी चाहिए, अगर खत्म ही कर देना है तो यहाँ क्या बुराई है, फरीदी ने कहा।
उठो, रिवॉल्वर वाला फिर चीखा। नहीं उठूंगा, फरीदी भी उसी अंदाज में चीखा। अच्छा ठहरो बताता हूँ तुम्हें, उसने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। जरा उर्दू में बताना, इन्हें हिंदी नहीं आती, हमीद ने चिल्ला कर कहा। चुप रहो, वो जोर से चीख कर फरीदी की तरफ बढ़ा। फरीदी के हाथ अभी तक उन दोनों आदमियों ने जकड़ रखे थे। रिवॉल्वर वाले ने फरीदी के बाल पकड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन जुम्बिश भी न हुई। तुम यूं ना मानोगे, रिवॉल्वर वाला फरीदी की नाक पकड़ कर दबाते हुए बोला। फरीदी के मुंह से चीख निकल गई, वो उछल कर खड़ा हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो लोग जो फरीदी को पकड़े हुए थे संभल ना सके। फरीदी उनकी गिरफ्त से आजाद होकर उछला और हमीद पर आ गिरा। जिन्होंने हमीद को पकड़ रखा था वो भी हमीद समेत जमीन पर आ रहे। रिवॉल्वर वाला चीखने लगा, खबरदार खबरदार, गोली मार दूंगा। अब बिल्कुल अंधेरा था। गालिबन इस कशमकश के दौरान में रिवॉल्वर वाले के हाथ से टॉर्च गिर गई थी। रिवॉल्वर वाले ने हवाई फायर करने शुरू किए, शायद उसे डर था कि अंधेरे में उसके आदमी जख्मी ना हो जाएं। तकरीबन 15-20 मिनट तक अंधेरे में जद्दोजहद होती रही। रिवॉल्वर वाले की आवाज बराबर सुनाई दे रही थी। फरीदी और हमीद एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंजों के बल सड़क की तरफ भाग रहे थे। कार वहीं खड़ी थी, दोनों कार में बैठ गए। फरीदी ने कार स्टार्ट कर दी। झाड़ियों के अंदर शोरगुल की आवाजें सुनाई देने लगी, जो रफ्तार रफ्तार करीब आती जा रही थी। फरीदी ने कार घुमाई और वो दोनों बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से शहर की तरफ चल पड़े। अब फायर होने शुरू हो गए थे, जिनकी आवाजें दूर तक सुनाई देती रही। क्यों मियां हमीद, हो गई ना अच्छी खासी मरम्मत, फरीदी ने कहा। वो तो कहो उस मर्दूत के हाथ से टॉर्च गिर गई, वरना इस वक्त हम कहीं और होते। बस अब मत बोलिए, चुपचाप चले चलिए, हमीद ने कांपते हुए कहा। अरे वाह मेरे शेर, बस इतने ही में आपने लगा, फरीदी ने कहकर लगाया। आप ठहरिए जनाब, भला मैं आपका मुकाबला कब कर सकता हूँ, हमीद ने कहा। देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि लौट चलिए। अगर मैं लौट जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता, फरीदी ने कहा। क्यों? इसलिए कि यहाँ आने से मुजरिमों का कुछ कुछ सुराग मिल गया। वो कैसे? इसका जवाब ये टॉर्च देगी। टॉर्च? हमीद ने हैरत से कहा। वो कब से बोलने लगी? इसी वक्त से, फरीदी ने हंस कर कहा। इस वक्त ये टॉर्च बहुत कीमती है, जरा देखूं तो। चुना मत इसे, फरीदी ने उसे हटाते हुए कहा। ये बड़ी मेहनतों से दस्तियाब हुई है, इतनी कुश्ती लड़ने के बावजूद भी मैंने इसकी काफी हिफाजत की है। आखिर क्यों? इस पर मुजरिम की उंगलियों के निशानात महफूज हैं, जिनका चरबा इसी वक्त फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में उतारा जाएगा। हमीद हैरत से फरीदी का मुंह देख रहा था। दूसरे दिन सुबह फरीदी, हमीद और सरोज ड्राइंग रूम में नाश्ता कर रहे थे। फरीदी ने रात वाले वाकये की इत्तला किसी को ना दी, लेकिन हमीद के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपनी कारगुजारियां एक हसीन औरत के सामने दोहराने के लिए बेचैन था। दौरान गुफ्तगू में कई बार उसने इस मौजू की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन फरीदी ने हर बार उसे साफ उड़ा दिया। आखिरकार थोड़ी देर के बाद हमीद भी समझ गया कि फरीदी रात वाले वाकये का तज़करा सरोज के सामने नहीं लाना चाहता। वह हसब मामूल बेतरह चहक रहा था, बात बात पर लतीफे हो रहे थे। वाकई हमीद साहब, आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, सरोज ने कहा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि आपके ख्याल की तर्दीद कर सकूं, हमीद ने जवाब दिया। लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। आपकी हिम्मत का क्या कहना, बड़े बड़े आपका लोहा तांबा पीतल गर्ज के हर किस्म की धात मानते हैं, सरोज हंसने लगी और फरीदी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इतने में एक नौकर हाथ में एक लिफाफा लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। अभी एक आदमी ले गया है, नौकर ने लिफाफा फरीदी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फरीदी खत निकाल कर पढ़ने लगा, फिर वो कागज सरोज की तरफ बढ़ा दिया। ये ठाकुर दलबीर सिंह का खत था। फरीदी साहब तस्लीम, मैं शाम को आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद आप बहुत ज्यादा मशगूल थे, या सरोज यहाँ आने पर रजामंद ना होती होगी। मुझे इंतहाई अफसोस है, मैं सरोज को अपनी बेटी की तरह अजीज रखता हूँ। गुस्से में मैंने उसे वो सब कुछ कह डाला जो मुझे ना कहना चाहिए था। मुझे सख्त नदामत है, अगर सरोज बूढ़े ठाकुर के मुंह पर तमाचा मार कर भी उसकी गलती को माफ ना कर सके तो उसे कोई एतराज ना होगा। खुदारा सरोज को लेकर जल्द आइए, वरना मेरे जमीर की मलामत मेरा काम ही तमाम कर देगी। फकत नादिम दलबीर सिंह। दूसरे दिन सुबह फरीदी और हमीद कोतवाली गए। कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही हाथ फैला कर उनकी तरफ बढ़ा। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था, सुधीर ने फरीदी से मुसाफा करते हुए कहा। कहिए कोई खास बात? खास बात सिर्फ इतनी है कि आप 8-10 कांस्टेबल लेकर मेरे हमरा चलिए, फरीदी ने कहा। खैरियत? सुधीर ने हैरत से कहा। जल्दी कीजिए, आपका शिकार मेरे चूहेदान में फंस गया है, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। इसलिए हम लोग जल्दी में नाश्ता दान भी साथ ही लेते आए हैं, हमीद जल्दी से बोल उठा।
तो ये क्यों नहीं कहते कि अभी तक आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, सुधीर ने कहा। कहिए कुछ मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं, फरीदी ने कहा। आप जल्दी से अपने आदमियों को तैयार कर लीजिए। जलालपुर? जलालपुर? सुधीर ने हैरत से कहा। तो आपने कातिलों का पता लगा लिया? करीब करीब, फरीदी ने कहा और सिगार सुलगाने लगा। सुधीर ने एक दीवान को बुलाकर कुछ हिदायतें दी और खुद ऑफिस के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद आठ मुसल्ला कांस्टेबल आ गए। पुलिस की लॉरी जिस पर सुधीर, हमीद, फरीदी और आठ कांस्टेबल बैठे थे, जलालपुर की तरफ तेजी से भागी जा रही थी। जरा मुझे कुछ पहले से बता दीजिए ताकि मैं उसी के मुताबिक इंतजाम कर सकूं, सुधीर ने कहा। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़ेगी, फरीदी ने जवाब दिया। फिर भी, सुधीर ने कहा, बस इतना समझ लीजिए कि कातिल के दरियाफ्त हो जाने पर आपको उसके हाथों में हथकड़ियां डाल देनी होंगी। ये तो हो ही जाएगा, ये बताइए कि आखिर कातिल है कौन, सुधीर ने बेचैनी से कहा। घबराइए नहीं, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा, जरा होशियारी से रहना, सुधीर ने अपने सिपाहियों की तरफ देखकर कड़ी आवाज में कहा। हाँ भाई, यही वक्त होशियारी का है, हमीद ने हंसकर कहा। और जरा हम लोगों का ख्याल रखना, हमीद साहब किसी वक्त तो हम गरीबों की खताएं माफ कर दिया कीजिए, सुधीर ने कहा। अच्छा, मैं इसी वक्त इस पर गौर करूंगा, हमीद ने कहा और गौर से फरीदी की जेब की तरफ देखने लगा जो खुद ब खुद फूल कर पिचक रही थी। अरे, हमीद ने उछल कर कहा। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जेब? फरीदी ने हमीद का शाना दबा दिया। हमीद खामोश हो गया। इंस्पेक्टर सुधीर भी चौंक पड़ा। फरीदी ने जल्दी से अपनी हैट इस तरह अपने पहलू में रख दी कि जेब छुप गई। क्या बात है, सुधीर ने हमीद से पूछा। कुछ नहीं, यूं ही जरा दिमाग का एक स्क्रू ढीला होने लगा था, फरीदी ने जुमला पूरा कर दिया। दलबीर सिंह की कोठी के सामने पुलिस की लॉरी रुकी। सरोज और दलबीर सिंह बरामदे ही में बैठे थे। फरीदी के साथ इतने बहुत से कांस्टेबल देखकर सरोज ने आहिस्ता से कुछ कहा। दलबीर सिंह उठकर खड़ा हो गया। इतने में ये लोग भी बरामदे में पहुंच गए। कहिए फरीदी साहब, कोई ताजा मुसीबत, ठाकुर दलबीर सिंह ने कहा। कोई खास बात नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। खूब खूब, ठाकुर दलबीर सिंह ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझसे इतनी उनसियत रखता है। आप लोग तशरीफ रखिए। अरे कोई है जरा कुर्सियां लाना, गर्मी बहुत शदीद है, दलबीर सिंह ने कहा। मेरे ख्याल में आप लोग कुछ शरबत पी लीजिए। जी नहीं शुक्रिया, फरीदी ने कहा। कतई ख्वाहिश नहीं। कहिए, क्या बिमला वाले केस की तहकीकात के सिलसिले में कहीं तशरीफ ले गए थे, दलबीर सिंह ने पूछा। जी हाँ, कुछ कामयाबी हुई तो है। क्या मैं कुछ मालूम कर सकता हूँ, दलबीर सिंह ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। क्यों नहीं, फरीदी अपने मखसूस संजीदा लहजे में बोला। एक तो यही इत्तला आपके लिए दिलचस्पी से खाली ना होगी कि रणधीर बिमला और डॉक्टर सतीश का कत्ल एक ही आदमी की ईमा पर हुआ है। अच्छा, दलबीर सिंह ने हैरत से कहा। वाकई ये खबर इंतहाई दिलचस्प और साथ ही साथ हैरत अंगेज भी है, ठाकुर साहब, फरीदी बोला। क्या आप मुझे बिमला का सही हुलिया बता सकते हैं? मुझे उसकी लाश देखने का मौका भी ना मिल सका था। बहुत खूब, ठाकुर साहब ने कहकर लगाकर कहा। अगर कोई अंधा किसी का हुलिया बता सकता हो तो जरूर पूछिए। तो क्या वाकई अब आपको आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, फरीदी ने पूछा। ठाकुर दलबीर सिंह के माथे पर शिकने पड़ गई। शायद उसे फरीदी का ये सवाल नागवार गुजरा था। फरीदी साहब, मेरा ख्याल है कि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, दलबीर सिंह ने तल्ख लहजे में कहा। यकीनन, फरीदी ने एतराफ में सर हिला दिया। तो फिर आपको मुझसे मजाक नहीं करना चाहिए, दलबीर सिंह ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, फरीदी ने नदामत आमेज लहजे में कहा। लेकिन अगर आपको इससे तकलीफ पहुँची हो तो माफी चाहता हूँ। खैर खैर, दलबीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फरीदी भाई, मुजरिमों के गिरफ्तार हो जाने की कब तक उम्मीद है, सरोज ने कहा। बहुत जल्द, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। खुदा करे ऐसा ही हो ताकि हम लोगों की तरफ से आपका शुबा रफा हो, सरोज ने मकबूम लहजे में कहा। आप लोगों पर शुबा, खरे लाहौर वाला कौवत, आप भी कैसी बातें कर रही हैं, तौबा तौबा, फरीदी ये कहकर अपने मखसूस लहजे में सीटी बजाने लगा। वो दलबीर सिंह के सामने बैठा हुआ बाघ की तरफ गर्दन मोड़े कुछ देख रहा था। अरे सांप, ठाकुर दलबीर सिंह बेख्तियार उछल कर बोला। फरीदी की जेब से एक काला सांप निकलकर उसकी गोद में रेंग रहा था। सब लोग बदहवास हो गए। सांप दिखाई देते हैं ठाकुर साहब, फरीदी ने रिवाल्वर निकाल कर ठाकुर दलबीर सिंह की तरफ तानते हुए कहा। खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करना, ठाकुर दलबीर सिंह के हाथ से उसकी छड़ी छूट पड़ी। तुमने उठने की कोशिश की और मैंने गोली चलाई, फरीदी ने तेज लहजे में कहा। सुधीर साहब, हथकड़ी, ठाकुर दलबीर सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। उसकी बेरौनक आंखें और ज्यादा बेनूर हो गयी। ये आपने क्या किया फरीदी भैया,
सरोज बेख्तियार चीख पड़ी। इनकी आंखों का इलाज बगैर ऑपरेशन, अब इन्हें अंधेरे में रहने की जरूरत है, हमीद ने हंस कर कहा। वल्ला इंस्पेक्टर साहब, आप मायरे अमराज चश्म भी हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है, सरोज बेबसी से बोली। घबराओ नहीं सरोज बहन, शुक्र करो कि तुम बच गई, वरना कुछ दिन बाद तुम भी बमला का साथ देती नजर आती। अगर कुछ और ज्यादा जानना चाहती हो तो कल शाम को मुझसे मिलना, मैं घर पर ही होऊंगा। ठाकुर दलबीर सिंह सर झुकाए बैठा था। उठिए सरकार, सुधीर ने उसे ठोकर लगाते हुए कहा। दलबीर सिंह झल्ला कर खड़ा हो गया और हथकड़ी में जगड़े हुए हाथ उठाकर इस जोर से सुधीर के सर पर मारे कि सुधीर तेरा होकर दीवार से टकरा गया। आठों सिपाही दलबीर सिंह पर टूट पड़े। सरोज चीखने लगी। ठाकुर दलबीर सिंह लारी में बेसुध पड़ा हुआ था, उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे और लारी शहर की तरफ भागी जा रही थी। उसी दिन शाम को पुलिस ने दलबीर सिंह के मकान पर छापा मारा। काफी तलाश और जुस्तजू के बाद आखिरकार फरीदी उस तहखाने का पता लगाने में कामयाब हो ही गया था जिसमें दलबीर सिंह ने कोकेन बनाने का कारखाना कायम कर रखा था। वहां से काफी मकदार में कोकेन बरामद हुई। इसके अलावा दूसरे कामों से फरागत पाने के बाद वो और हमीद ड्राइंग रूम में आ बैठे। सरोज पहले ही से उसका इंतजार कर रही थी। तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, फरीद ने सरोज से कहा। हालांकि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस जाल में फंसने से बच गईं। अगर दलबीर सिंह को कभी तुम पर जरा सा शुबा भी हो जाता कि तुम उसके राज से वाकिफ हो तो तुम्हारा भी वही अंजाम होता जो बिमला का हुआ। लेकिन आपको इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ, सरोज बोली। जब मुझे मेरी गिरफ्त में आ जाता है तो जिस तरह चाहता हूँ आसानी से सब उगलवा लेता हूँ। सिर्फ दलबीर सिंह ही इस कैद में नहीं बल्कि उसके 12 साथी भी उसका साथ दे रहे हैं। ये सब शहर के छठे हुए शरीफ किस्म के बदमाश हैं। आखिर बिमला उन लोगों के जाल में कैसे फंस गई, सरोज ने कहा। इसी वक्त सुनोगी, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। खैर सुनो, एक दिन जब तुम घर पर नहीं थी बिमला ने दलबीर सिंह को कुछ लिखते देख लिया। उसे हैरत हुई होगी और हैरत की बात भी है कि अंधे लिखा नहीं करते। दलबीर सिंह को इसका एहसास हो गया। उस वक्त उसकी समझ में यही आया कि बिमला को ले जाकर तहखाने में कैद कर दे। तहखाने में ले जाकर दलबीर सिंह ने जबरदस्ती उसे एक खत तुम्हारे नाम लिखवाया कि वो अपने किसी अजीज से मिलने शहर जा रही है और मालूम नहीं कब तक उसकी वापसी हो। दलबीर सिंह बिमला की तहरीर लेकर उसे तहखाने में बंद करके चला आया। ये फौरी काम उसने इसलिए किया था कि अपने दूसरे साथियों से राय लेने के बाद कोई दूसरी कार्रवाई कर सके। तुम्हारे आने पर उसने बिमला का खत तुम्हें दे दिया था और तुम मुतमईन हो गई थी। क्यों है ना यही बात, दलबीर सिंह ने अपने साथियों से मशवरा किया जिनमें डॉक्टर सतीश भी शामिल था। डॉक्टर सतीश ने जो राय दी उस पर सब राजी हो गए, लिहाजा वही तहखाने में तेज रोशनी का इंतजाम करके बिमला और सतीश की एक तस्वीर खींची गई। वो तस्वीर भी मुझे मिल गई, लेकिन वो ऐसी नहीं कि तुम्हें दिखला सकूं। बहरहाल बिमला से कहा गया कि उसने दलबीर सिंह का राज किसी को जाहिर किया तो वो तस्वीर उसके अजीजों और उसके मंगेतर के पास भेज दी जाएगी। इतना कुछ कर लेने के बाद भी उन लोगों को इत्मीनान न हुआ। इसी दौरान में उनके हाथ बिमला के मंगेतर का एक खत लग गया जिससे जाहिर हुआ कि शायद उन दोनों के वालदेन में कुछ झगड़ा हो गया है और वो लोग शादी करने पर रजामंद नहीं। उस खत को देखते ही दलबीर सिंह ने एक स्कीम बनाई। वो ये थी कि अगर रणधीर और बिमला इस दौरान गायब कर दिए जाएं तो उनके वालदेन यही समझेंगे कि शायद रणधीर बिमला को कहीं भगा ले गया। इस स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर सतीश बिमला का हमदर्द बन गया। उसने वो तस्वीर उसके सामने जला दी और उससे कहा कि तुम रणधीर को एक खत लिखो कि तुम्हें यहाँ से आकर निकाल ले जाए। डॉक्टर सतीश ने बिमला को अच्छी तरह इत्मीनान दिला दिया कि वो उसकी पूरी पूरी मदद करेगा। रणधीर का जवाब आने पर उन्हें मालूम हो गया कि वो कब आ रहा है। जहाँ तक दोनों को कत्ल कर देने की स्कीम का ताल्लुक है, उन लोगों ने बड़ी चालाकी से काम लिया, लेकिन और ज्यादा पर्दापोशी के लिए पुलिस को भी इसमें उलझा देने की स्कीम बनाकर सख्त धोखा खाया। हालांकि उनकी स्कीम भी बड़ी शानदार थी। उनका ख्याल था कि बिमला और रणधीर के इस तरह गायब हो जाने से बिमला के वालदेन उन दोनों का हुलिया जारी कराएंगे और जब पुलिस को मालूम होगा कि धर्मपुर के जंगल में लाश देखने वाला रणधीर सिंह ही था तो पुलिस और ज्यादा सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर देगी। और शायद ऐसा होता भी अगर ऐन वक्त पर जंगली गीदड़ हमारी मदद न कर बैठते। मैंने तुम्हें गीदड़ की लाश का वाकया बताया था, वो भी दलबीर सिंह की हरकत थी। डॉक्टर सतीश साहब कानपुर जा रहे थे रणधीर के घर की तलाशी लेने ताकि बिमला का खत ढूंढ कर उसे जला सके। रास्ते में मुझसे मुठभेड़ हो गई, वो गिरफ्तार हो गया। उसके साथ और भी आदमी थे जो उसके गिरफ्तार हो जाने के बाद रास्ते ही से पलट आए। उसने उसकी खबर दलबीर सिंह को दी। दलबीर सिंह ने सोचा कि अब उसे भी ठिकाने लगा देना चाहिए वरना मुमकिन है पुलिस उससे उगलवा ले। फिर दलबीर सिंह ने मुझ पर और हमीद पर भी हमला किया था, लेकिन तुम अभी तक नहीं जानती कि मुझे ये कैसे मालूम हुआ कि दलबीर सिंह ही मुजरिम है। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था
उनमें से एक की टॉर्च मेरे हाथ लग गई। उनकी उंगलियों के निशानात उस टॉर्च पर बाकी रहे जिन्हें मैंने कागज पर उतरवा लिया। मुझे दलबीर सिंह पर शुरू ही से शुबा था, हालांकि वह गंधे का पार्ट बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दे रहा था। लेकिन हाँ, तो जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था तो तुम्हें याद होगा कि तुमने हम लोगों को शरबत पिलाया था। मैंने वो गिलास चुरा लिया जिस पर दलबीर सिंह ने शरबत पिया था। उस पर दलबीर सिंह की उंगलियों के निशानात थे। उस गिलास के निशानात और उस टॉर्च के निशानात में कोई फर्क ना निकला और फिर आपके ठाकुर साहब आखिरकार धर लिए गए। अच्छा ये बताइए कि मेरा क्या हशर होगा, सरोज परेशानी के लहजे में बोली। कुछ भी नहीं, तुम्हें सिर्फ सरकारी गवाह बनना पड़ेगा। मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुका हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचेगा। अब तुम इतनी बड़ी जायदाद की तनहा मालिक हो, दलबीर सिंह तो फांसी से बच नहीं सकता। मैं आपका शुक्रिया किस जबान से अदा करूँ, अगर मेरा कोई सगा भाई भी होता तो मेरे लिए इतना ना कर सकता। अच्छा तो मुझे सगा भाई नहीं समझती, फरीद ने रूठ जाने वाले अंदाज में कहा। मेरा भैया, सरोज ने कहा और उसकी आंखों में मोहब्बत के आंसू उमड़ आए। हमीद ने एक भोंडा सा कहकह लगाया, झेपा झेपा सा कहका। खत्म शुद्ध।